Welcome to the Raja Haider channel. Don't forget to subscribe and press the bell icon. किसी भी इंसान की जिंदगी में सात मकाम ऐसे आते हैं मेरे रब की तरफ से जो आपको उरूज देने के लिए आते हैं। वो जिंदगी के किसी भी हिस्से में आ सकते हैं। और एक मकाम ऐसा आता है जो सात साल पे भारी होता है, सात साल पे मोहित होता है, जिसको आम जबान में साढ़ शक्ति कहते हैं। ये साढ़ शक्ति आ गई थी हमारे कुछ लोगों की जिंदगियों में दो बार आती है, एक उनके सितारे की साढ़ शक्ति और दूसरी उनके पेरेंट्स या कोई भी जो भी उनका शरीक हयात है, अगर वो वाबस्ता है और उन दिनों उनके स्टार्स वीक चल रहे हैं तो रिटर्न ऑफ स्टार्स जो कि मिल्की वे में सेवन लेयर्स में से तीन लेयर्स इधर तीन लेयर्स इधर उसके बीच का एक फासला होता है जिसको हुसाम बोलते हैं। हुसाम सितारे की फ्लोर 59 का एक छोटा सा सितारा होता है लेकिन वो सांप को चीरता हुआ आपके फाइनेंस रिलेशनशिप फाइनेंस और ट्रैवलिंग सब चीजों को एक जगह पे जला देता, होल कर देता। अब उस होल को भरने के लिए आपको फिर सत्कार देने होते हैं, आपको कुछ प्लानिंग करनी होती है, मरहम पट्टी करनी होती है, तो मरहम पट्टी होते होते बहुत सा टाइम लग जाता। अब जिस वक्त वो जिंदगी में छेद होते हैं या तो वो सात साल जो आपको करने ही करने हैं जिंदगी में, वो आएंगे ही आएंगे आपकी जिंदगी को छेददार बनाने के लिए। स्टार्स में अभी क्या हालात चल रहे हैं, एक एक जो जोडियक साइन है उसके ऊपर जो सूरज ग्रहण आ रहा है। अच्छा, ये दो टाइमिंग होती हैं, जैसे अलग अलग मुल्कों में अलग अलग टाइम होता है, उससे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, उससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है इसका भी कोई ताल्लुक नहीं होता। इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पे निकलना है, वो निकलना है। उस वक्त आप क्या करो ऐसा भी कोई ड्रामा नहीं है, उस वक्त आप क्या पढ़ो ऐसा भी कोई ड्रामा नहीं है। उस घंटों के दौरान कभी भी आप दो रकात नफल पढ़ दो, नमाज पढ़ दो खैर के लिए, अपनी कोई विश बताने के लिए, तो वो पूरी होती है। जिसको लोग कहते हैं टूटता हुआ तारा देखो तो दुआ मांगो, वो कोई कबूल नहीं होती। टूटे हुए तारे की कहीं कोई साइंटिफिक हिस्ट्री नहीं है, ना एस्ट्रोलॉजी में ना किसी मजहब में। सूरज ग्रहण आप लोगों की जिंदगी में पहुंच के क्या करेगा? अच्छा, सूरज ग्रहण की जो टाइमिंग अभी हम बता रहे थे आपको कि ये दो टाइम ऐसे होते हैं, यानी कि ये जो कल है 2 तारीख जिसको आप मतलब जब ये वीडियो हो सकता है हम इसको वीडियो बना के भी लगा दें क्योंकि अभी तो लाइव देख रहे हैं, तो 2 तारीख को ये रात में 9:30 के बाद स्टार्ट हो जाएगा। और ये 3 तारीख जो मेन है जिसको असर 3 को करता है, जो रात होती है उसको डेड स्पॉट कहा जाता है लैंग्वेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी में, कि उस वक्त सूरज ग्रहण का असर नहीं होता। मुख्तलिफ मुल्कों का लगता है जिस वक्त नेक्स्ट डे फूटने लगता है तो उससे 5 आवर्स पहले वो अपने असर करता है। सो आप सब सेफ हो कि 9:55 पे इतने बज के इतने सेकंड पे वो क्या हो जाए, कुछ भी नहीं। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने शायद अपनी अपनी कोई चीजें बताई हूँ, वो आप ज्यादा बेहतर जानते हो क्योंकि घर घर के पानी आप पीते हो। मैं तो टीवी तक खुदा की कसम नहीं देखता हूँ, मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ, मैं बस अपने काम को फोकस करता हूँ। शूटिंग्स चल रही हैं ड्रामे की, वो करते रहते हैं। कल हम लोगों ने शाम को शूटिंग शुरू की ड्रामे की, एक इवेंट था जो शूट हो रहा था, दीवार शब की बात कर रहा हूँ जो हफ्ते को चलता है हम टीवी पे। सुबह 7:15 मैं घर आया हूँ, यानी हम 7 बजे चिड़िया कौए निकल आए और हम लोग शूट कर रहे थे। आर्टिस्टों की आंखें लाल सारी, वो जाहिर है आपको जो काम है वो बड़े जरूरी होते हैं, कुछ वो करने के बाद फिर भी वही एनर्जी। मैं अभी तक सोए नहीं हूँ पिछले 36 घंटे से, और बहुत सारे काम होते हैं। सो आपके लिए ये चीज करना बहुत जरूरी थी। थैंक यू जिन्होंने सुबह चैट किया, जो बाकी भी करने वाले हम एरीज वाले। देखो जितने भी पहले तो लोगों को इस चीज का शायद इल्म बाद में हो जाए, मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को जो बता रहा हूं। हमल एरीज वाले जो कि से पैदा हुए हैं अप्रैल 19 तक आए हैं, उन लोगों के लिए सूरज ग्रहण ने कुछ खास करवटें ली हैं। ये वीकली हॉरोस्कोप नहीं है मेरे प्यारो, ये याद रखना, दिस इज नॉट अ वीकली हॉरोस्कोप, ये सिर्फ सूरज ग्रहण के असरात हैं। ये असरात कितने दिन के लिए रहने वाले हैं अब ये सुनो। सूरज ग्रहण तो एक दिन होता है, चांद ग्रहण भी एक दिन होता है, चांद के कोई 28 या 30
جو ڈیز ہوتے ہیں جس میں چودھویں کا چاند عروج کا پھر چودھویں کے بعد زوال کا, تو وہ 30 دن پہ ایک چاند کو ہم نے ڈالا ہوتا ہے جو عروج و زوال کے دن ہوتے ہیں. اس بار جو سورج گرہن ہونے جا رہا ہے جو 2 جولائی سے 3 جولائی تک کے سفر میں, آپ لوگوں کی زندگی میں جتنے لوگ فیمس ہونا چاہتے ہیں, جتنے لوگ میڈیا پالیٹکس جاب کوئی کر رہے ہیں جہاں پہ ان کا عزت و مرتبے میں اضافہ ہو جائے, مبارک ہو, آپ سب کے سب زوڈیک سائن والے بہت عروج دیکھو گے. وہ لوگ جو پلاننگ کر رہے ہیں کسی ملک میں سیٹل ہونے کی, ہجرت کرنے کی, وہ جو شادیاں کر کے کہیں جانا چاہتے ہیں, انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے کسی کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کو مبارک ہو, کیونکہ یہ آپ لوگوں کی زندگی کا سب سے بڑا سورج گرہن ہونے جا رہا. وہ لوگ جنہوں نے صرف پیسہ اور جنہوں نے صرف محبت دیکھنی ہے, ان لوگوں کی زندگی میں محبت ایسے چھینٹے مار مار کے آپ اپنے وجود پہ اچھالو گے. اب یہ تو وہ 3 پارٹ ہیں جو بہت اچھے ہونے والے ہیں. اس میں جو 3rd پارٹ ہے جس کو لو پارٹ کہتے ہیں, ایریز والوں سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ سب کو پہلے میں بیس بتا دوں کہ جو 3rd پارٹ ہے جو محبت والا ہے, اس میں ایک لفظ ہوتا ہے جس کو خدیام بولتے ہیں. خدیام ایک کینچی ٹائپ کا سٹار ہوتا ہے, جیسے دمدار ستارے ہوتے ہیں, جیسے جیلی فش ہوتی ہے جو مرتی نہیں ہے, سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اسی طرح خدیامی ستارے ہوتے ہیں جو کینچی والے ستارے ہوتے ہیں. یہ آپ کی اس محبت کو آ کے کسی بھی ایک بہت ہی معمولی بات سے کاٹ کے رکھ دیتی ہے. اور جس بات کا کوئی بڑا ہونا ضروری نہیں ہے, بڑا رشتے بڑی باتوں میں ٹوٹتے ہیں نا, کہ ارے یہ ہو گیا بہت عدالتوں تک. جن لوگوں کی زندگی میں یہ کھٹائی آئے گی, یہ سورج گرہن, وہ کینچی والے جو ستارے ہیں, بہت احتیاط کرنی پڑے گی آپ کو 23 دن کے لیے. اس کے اثرات جو ہیں یہ 23 دن کی گیم ہے ٹوٹل. 23 دن کے بعد آپ کے لیے سٹارز میں جو چینج آئیں گی, یعنی جولائی کا مہینہ بہت امپورٹنٹ مہینہ ہے آپ لوگوں کے لیے. سٹارٹ کرتے ہیں. ایریز والوں کے لیے محبت کی پرسنٹیج جو یہاں اس وقت دکھائی دے رہی ہے ان 23 دنوں میں, یہ 81% ہے جو ہائیسٹ کہی جاتی ہے. 81% میں آپ لوگوں کے نئے ریلیشن بننا بہت تیزی سے شروع ہو جائیں گے. آپ لوگوں کی زندگی میں وہ لوگ آنا شروع ہو جائیں گے جن کو آپ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں جانتے ہوں. فیملی میں اگر آپ شادیاں کر رہے ہو تو یہ بڑی کوئک ہوں گی, جو 90 ڈیز کے اندر اندر ڈیسیجن ہو جائے گا, منگنی شادی بیاہ جو بھی آپ کرتے ہو 90 ڈیز میں یہ پورے کا پورا سسٹم پہنچ جائے گا. لیکن یہ 23 دن اتنے اہم ہے کہ اسی میں کرنا. فرض کرو آپ 23rd دن کرتے ہو, اس کو 3 تاریخ سے ذہن میں رکھنا, 2 سے مت رکھنا, 2 تو ایک ٹائمنگ ہے, لیکن 3 سے آگے جاؤ گے تو 23 دن جو بھی بن رہا ہے. اب آپ اس 23 دن کے آخری گھنٹے میں بھی اگر کچھ عمل کر رہے ہو, کوئی ویزا سبمٹ کر رہے ہو, کسی سے رشتہ کر رہے ہو, تو وہ پھر آگے لانگ لاسٹنگ ہے. ضروری نہیں کہ 23 دنوں میں ہی شادی کر دو, وہ پھر آگے سفر پہ چلے جائیں. پلاننگز آپ کی بڑی خاص ہیں. جو لوگ اس چیز میں ملوث ہیں کہ جنہوں نے آپ کی زندگیوں میں جادو کیے یا کرنے والے ہیں, کیونکہ یہ جو سورج گرہن ہے یہ تانترک میجک کرنے والے عاملین ان کے لیے سونا ہے, گولڈ ہے. اس کی خاص ٹائمنگ ہے وہ ہم نہیں بتاتے ہیں. بہت سارے جو نیلے عامل ہیں وہ میرا یہ شو دیکھ دیکھ کے بھی بہت ساری چیزیں لے رہے ہوتے ہیں اور اسی ٹائم پہ وہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ٹائم ہم نہیں بتا رہے اور کرنا کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں بتا رہے, لیکن اس میں آپ کو احتیاط کیا کرنی ہے وہ ہم بتا رہے ہیں. تو ہم لیڈیز والوں, اس میں آپ لوگوں کو ان لوگوں سے بہت احتیاط کرنی ہوگی جو آپ کے کولیگز ہیں, یا کوئی ایسی فیملی میں سے کوئی مٹھائی کا ڈبہ, کھجورے, کچھ بھی چیز آ جاتی ہے, یہاں تک کہ آپ کو اگر کوئی کاسمیٹک گفٹ کر رہا ہے, پرفیوم گفٹ کر, کچھ بھی کوئی کر رہا ہے, تو آپ لوگوں کو بہت سیف ہونا پڑے گا. آپ لوگوں کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی. اگر غلطی سے کچھ کھا لیا تو پھر آپ لوگوں کو کیا کرنا, آپ لوگوں کو سفید چیز کا صدقہ دینا ہوگا. سفید چیز لائک چینی, سفید کپڑا, سفید مرغی, کچھ بھی ایسا. سوجی بھی لوگ کر دیتے ہیں, پکی ہوئی حالت میں بھی بہت سارے لوگ دیتے ہیں, لیکن انکوکڈ حالت میں کرنا اگر ہو جائے, محفوظ ہو, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. 100% لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, لیکن کیونکہ شیطان بھی تو ہے نا, ہم لوگ تو پازیٹیوٹی کے اینجلز ہیں, لیکن جو شیطان ہیں انہوں نے بھی اپنا کام ضرور کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ لوگوں کے لیے زندگی میں جس وقت یہ ریلیشن بنیں گے, یہ زندگی بھر ساتھ چلنے والے, اس لیے ڈرنا نہیں. نئی محبتیں اچانک ہی جہاں پہ آپ لوگ انوالو ہو وہاں پہ ہاں کا جواب آ جائے گا, امی نہیں مانتی والا جملہ بالکل ڈیلیٹ ہو جائے گا, سو بڑا کوئکلی پروسیس ہوگا. انہی کے دوران آپ کو 1 یا 2 دفعہ رشتہ لے کر جانا ہے, جہاں سخت سے سخت بھی ریلیشن شپ ہے وہ بھی بن جائیں گے. اسٹوڈنٹس جو ایریز والے وہ ٹاپر کی لسٹ میں آ جائیں گے, 5 ستارے ہیں جو ٹاپ کریں گے, ان 5ों میں ایریز والے جو ہیں پہلا ستارہ, آگے چل کے بتاتے رہیں گے. ان لوگوں کو
टॉप लिस्ट में लोग देखेंगे, उनकी इज्जत मर्तबे में इजाफा होगा। जो मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स, टीचिंग, स्टॉक मार्केट, वकालत या किसी भी ऐसी फील्ड से हैं, मार्केटिंग फील्ड या कुछ भी जिसमें आप लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, गुफ्तगू शुनीद होती है, इसमें आपका एक उरूज शुरू होगा। ये वो दौर है जो 7 ईयर्स के लिए चलेगा, यानी आपको बीट करना मुश्किल है। 7 ईयर्स में आप लोग अपनी जायदाद और जमीन के मालिक हो जाओगे। अगर आपने राइट डिसीजन ले लिए तो फिर आपको दो दो प्रॉपर्टीज का मालिक होना पड़ेगा। आप लोग गैर औलाद वाले हो या औलाद कंसीव नहीं हो रही है या शादियां नहीं हो रही है, उस रिलेशन में आप बूस्ट कर जाओगे। 7 ईयर्स आप लोगों के फाइनेंसेस आज तक अगर लॉस में गए, आप जिस चीज को हाथ डालते हो मिट्टी हो जाती है, सोना नहीं होता, तो अब संगे पारस में हो सोना हो जाएगा। आप लोगों के बुजुर्गों की दुआएं, वो हयात हैं या चले गए हैं, आप लोग अगर स्पिरिचुअल हो तो आपको बैक जो एक ताकत आ रही है वो वहां से दुआओं की आएगी। कानूनी उलझनों में फंसे हो, नंबर 5, ये बता रहा हूं, कानूनी उलझने, जायदाद प्रॉपर्टी का कोई भी मामला है, तलाक के केसेस हैं, आपके हक में फैसला हो जाएगा। नंबर 6, आप लोगों की हिजरत इमिग्रेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो आप लोग बहुत लकी लोगों में से होंगे जो कि बहुत जल्दी सर्वाइव भी कर जाएंगे, जल्दी बाहर भी चले जाएंगे। तो ये 23 दिनों में बहुत बड़ी गेम होने वाली है बॉस। आप लोगों को बहुत सारे लोग गुस्सा चढ़ाएंगे, इमोशनल करेंगे, पिनअप करेंगे कि आपके मुंह से कोई ना कोई बात निकले। और जरूरी नहीं होता कि वो जानबूझ के कर रहे हैं कि ये सूरज ग्रहण की ताकत को तोड़ना, वो ऐसा होना खुद ब खुद शुरू हो जाता। गुस्सा हमल वालों को बहुत शदीद किस्म का आएगा किसी भी बात पे। लेकिन एक मोड है जो हमेशा इवनिंग के बाद आपको बिल्कुल खामोश कर देगा। अब आप हैरान होंगे कि बीच बीच में हफ्ते में 3 दिन, वो हम साथ साथ अपने अलग अलग लाइव शोज में बताएंगे, तो आपको खामोश कर देगा। आप क्यों खामोश हो गए इसका ताल्लुक बाद में जाके बताएंगे। वाइट चीज का सदका है आप लोगों के लिए, किसी भी दिन दे सकते हो, वो आप अपने लकी डे पे दो, जो भी दे दो। ये उस सूरत में है कि अगर कुछ खा पी लिया, आपको याद नहीं रहा, या आप डर रहे हो, या आपको खाना मजबूरी थी, लेकिन खाने के 78 घंटे तक उसके असरात नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आमिल हैं उनको ये पता है कि सूरज ग्रहण की एनर्जी से जिस वक्त आप सूरज की पोप फूट रही होती है और गुरूब हो रहा होता है, ये उस वक्त नहीं लिखा जाता है। कमाल देखना इसकी, इसकी एनर्जी डार्क से शुरू होगी, मगरिब हो गई उसके बाद से ये शुरू होती है और पोप फूटने से पहले तक, वैसे 1 बजे से रात 3 बजे तक आमिलीन जादू टोना ये सब करते हैं, और जिन्होंने रिमूव करना उनके लिए भी वही टाइम होता है। तो एक शर की और बका की एक जंग, हक और बातिल की एक जंग चल रही होती है। तो जो अल्लाह वाले हैं वो अपना काम कर रहे होते हैं, मैं मतलब रात का वही पहर होता है जिसमें ये सब कुछ कर रहा होता हूँ। तो आपसे बहुत सारी चीजें हैं लेकिन टाइम की कमी है, 12 ज़ोडियक साइन है, मुझे जल्दी जल्दी बताना है और भी बहुत सारे काम है, और ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, एरीज वालों के बाद हम लोग टॉरस की बात करेंगे। टॉरस यानी सौर वाले, आप लोगों के लिए सूरज ग्रहण क्या लेकर आ रहा है? काम जरूरत से ज्यादा आपको लगेगा कि अब होने लगा है, आप लोग कुछ बहुत बिजी होने लगे हो, आप लोगों को हर तरफ से ऑफर भी आना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये स्लो प्रोसेस होगा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये याद रखना, हर चीज तेजी से नहीं हो जाएगी। क्या यार सूरज ग्रहण आया तो दरवाजा खुलेगा और हवा आएगी और हम फ्लाई करेंगे बहुत ऊंचा, ऐसा नहीं। लेकिन जितने तेजी से आप फ्लाई करोगे और जितने मुस्तकिल करोगे, बाकी स्टार्स वाले सोचेंगे यार हमारे साथ भी यही हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। आप लोगों के रिलेशनशिप और आप लोगों की इमिग्रेशन के जितने भी काम होते हैं, ये दोनों इस वक्त समझ लो कि 97% तक बूस्टिंग पोजीशन पे हैं। अब सूरज ग्रहण जो ही टच करेगा तो आप लोगों के अनलॉक हो जाएंगे, पॉजिटिव जवाब आएगा। एक जगह से दर बंद होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, आपको ये कहने का भी मौका नहीं मिलेगा ओए होए हमारे साथ ज्यादती हो गई, ये याद रखना। और आप हैरान हो जाओ, ऐसा नहीं होता है, जॉब आई आप नहीं मिली आपको, बाकी किसी को मिल गई, फिर डिप्रेशन में चले गए, दो दो तीन तीन महीने कोई जॉब ही नहीं है, ऐसा नहीं, ये दिनों में गेम होगी। फर्ज करो कोई सोचा, कुछ भी सोचा, वो नहीं हुआ, फौरन ही दूसरा एक दर खुलेगा, वो उससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। सो जरूरी नहीं कि हर चीज जो आप सोच रहे हो वैसा ही होना शुरू हो जाए, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लेकिन टॉरस वाले उन लकी लोगों में से हैं जिनके मैंने बताया, जैसे 92 से 97% लोग अचीव कर जाएंगे। शादियां जिनकी नहीं हुई उन लोगों के लिए, उनके मनपसंद रिश्ते उनको जरूर मिलेंगे, लेकिन ये 23 दिनों के अंदर अंदर आपको किसी को भी प्रपोज करना है, रिश्ता भेजना है, तो आपको ये सारा कुछ सही करना है। ज्यादातर टॉरस वालों की शादियां दूसरे मुल्कों में, दूसरे शहरों में और गैर खानदानों में होना शुरू हो जाएंगी, जिसका ताल्लुक आपकी वाफिर औलाद से होगा। बहुत सारी टॉरस वाली बहनें जो कंसीव नहीं कर पा रही थी पिछले दिनों, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स रहे थे लास्ट जो 2018, मतलब इस साल भी जाहिर है सूरज ग्रहण पहले भी हुआ, लेकिन 2018 का जो लास्ट सूरज ग्रहण था उसने डैमेज किया था बहुत सारी बहनों की ओवरीज को, उनके क्रोमोसेल्स को,
और जाहिर है उसका एक साइड इफेक्ट आया था। साइड इफेक्ट की बात बहुत सारे लोग पहले भी ऑलरेडी चल रहे थे, तो सूरज ग्रहण बाजू का ये भी करता है। दिस इज फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कि सूरज ग्रहण आप लोगों के उन सेल्स को एक्टिव करेगा। आप लोग मुझे ईमेल जरूर आपको आपकी मां की कसम है भेजना, जिन जिन लोगों ने कंसीव किया इस सूरज ग्रहण के बाद और जिन जिन की औलादें होंगी मुझे जरूर बताना, मैं बताऊंगा आपको कि हुआ क्या और फिर वो औलादें आपके लिए क्या करेंगी। तो ये बहुत जबरदस्त हो जाएगा, ये होने जा रहा है। अब क्या होना है, कुछ फैसले आपको कड़वे करने पड़ेंगे, कुछ रिलेशन आपकी जिंदगी से हटेंगे, दोस्त महबूब कोई भी हो सकता है, उनको हटाना होगा आपको। मैं जानता हूं उससे दर्द बड़ा होगा, लेकिन जो नुकसान देने वाली जगह जैसे जहर फैल रहा है ना एक उंगली में, तो डॉक्टर कहते हैं जो उंगली कटनी पैसे बनना है पूरी बाइम ला देंगे। अच्छा जी, तो फिर क्या करोगे आप, अगर जहर फैल रहा है पूरा बाजू नहीं, फिर उंगली काटनी पड़ती है। तो बहुत सारी जगह ऐसी, अच्छा कोशिश ये करना है कि इग्नोरेंस वाली जो बत्ती है उसको ऑन रखना है। इग्नोर नहीं करोगे तो आपकी ये 23 दिन फारिग हो गए, आपने कुछ नहीं किया, बैठे रहो, फिर बाकी जो वीकली हॉरोस्कोप है वो सुन के अपनी जिंदगी को जियो, रुकेगा तब भी नहीं, लेकिन आपको ये एक्स्ट्रा जब रब की तरफ से मिल रहा लेना। बहुत सारे नए लोग आप लोगों की जिंदगी में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे, पैसा लेकर आएंगे, आपको ऑफर करेंगे, ऑफर कबूल कर लेना, मैच कर, तो क्या है आप लोग बहुत ऊपर जाओगे, बिजनेस कम्युनिटी में आपका बड़ा नाम हो जाएगा। स्टॉक मार्केट के जितने भी शेयर्स होल्डर्स हैं, जो टर्स वाले हैं, जितने भी लोग बिटकॉइन में या ऐसी चीजों पे पैसा लगाते हैं जो हवाई होती है नहीं देती हैं, उन चीजों में आप लोगों को बड़ा सक्सेस मिलेगा। लेकिन बड़ी गेम खेलने से परहेज कीजिएगा। जो ताल्लुक फर्ज करो 100 रुपया है तो उसमें हमेशा 50 रुपीज की चीज खरीदनी है या खेलनी है। अगर आप 50 के ऊपर जाओगे मारे जाओ, जीतोगे जरूर शुरू शुरू में लेकिन प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। सो 50% पे टॉरस वालों को सब कुछ करना है। स्टूडेंट्स के लिए जाहिर है अच्छा है, 69% से जंप करके 81.7% 23 दिनों में अच्छा है। आप स्विच कर सकते हो, किसी मुल्क में आपका एडमिशन हो जाएगा, जहां भी आप चाहते हो उस जगह पे आपका एक नाम होगा और आप टॉपर की लिस्ट में आ जाओगे। आप सेकंड स्टार हो हमल वालों के बाद जिनको ये चीज मिलेगी। कुछ कानूनी उलझनें दिखाई दे रही थी जिसका अब जवाब आपको बड़ा पॉजिटिवली मिलेगा। कानूनी उलझने इन सेंस के, आपने अगर तलाक के लिए अप्लाई किया या बीवी ने खुला के लिए किया, आपका पैसा जा रहा है जो दूसरे मुल्कों में, वहां तो खुला या तलाक बड़ी महंगी पड़ती है ना, आधा आपका चला जाता है, ये तो यहाँ पे ले दे के इंडिया पाकिस्तान में थोड़ा सा जुगाड़ हो जाता है काम, और सबको पता है वो आगे चल के चलो यहाँ जुगाड़ हो जाएगा वहां नहीं होगा, तो जो जिसका हक है वो जरूर दे दिया करो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों के लिए वो आसानी हो जाएगी, फैसला बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि जो नया रिश्ता आप बनाओगे अच्छा जरूर होगा, नया रिश्ता बनाओगे टर्म्स एंड कंडीशन तय किए बिना नहीं करना, वरना निकाह के टाइम पे भी वो रिश्ता खत्म हो सकता है, ये याद रखना। क्योंकि जिन्नाल एक खास सितारा होता है जिसको आखिरी मूवमेंट पे इनकार हो जाना, लड़की देख गए, लड़की पसंद आ गई, हमें बहुत पसंद है, हमारे बेटे को आने दे, हम पूछते हैं आप खुश हैं, तैयारी हो रही, आखिरी मूवमेंट में लड़के ने कह दिया कि मुझे नहीं पसंद, मैं तो वहां से पसंद करके आया हूं या मुझे फला पसंद है। तीन ऑप्शन जब लड़के के सामने रखे जाते हैं तो उसके तो लाल टपकना शुरू हो जाती है कि मैं ऐसा राजा इंदर तो मुझे पूछ रही है कि इनमें से किस लड़की से शादी करनी है, और वो फिर जो सबसे बेस्टेस्ट होगी, दुबली पत्ती, गोरी चिट्टी, बड़ी आंखें, यूएसबी पे भी चलती होगी, 1 लीटर में 70 किलोमीटर भी देती होगी, एडी होंडा ले आती थी, तो वो उसको चुनेगा। अब शुरू शुरू में तो बेचारी कम बोलती है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन बीवियां हैं, मतलब जो बीवी नहीं बनी होती अभी, अंडर प्रोसेस होती, बड़ी कम बोलती है। लड़का आइडिया लगा तो बातें नहीं करते हैं, मैं बोलता हूँ प्लीज आई लव यू तो बोलो, कहती नहीं मुझे शर्म आती है, प्लीज ऐसे ना करें आप, आपको प्लीज यार क्या हो गया, मैं तो इमोशनल हूँ, मुझे तो ऐसी लड़की नहीं चाहिए तुम्हारी जैसी बोरिंग, ठीक है मैं आपके लिए कुछ भी कर लूंगी, नहीं 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 मुझे तुम्हारे जैसे नहीं चाहिए, प्लीज कुछ खुल के बात करो। वो ऐसी खुल दी है पाजी, या तो फिर 14 तबक खुल जाते हैं, या फिर वो शादी के बाद वो तिगनी का नाच नचाएगी, फिर आप बोलोगे चुंगम चाहिए, वो पूछेगी क्यों, थोड़ी देर के लिए बंदे को चुप भी रहना चाहिए, इस तरह के होंगे। लेकिन सौर वालों जिंदगी की जो मोहब्बत की सारी दास्तान आप लिख कर बैठे हो, वहां पे बहुत बड़ा सा ट्विस्ट आएगा, और ये ट्विस्ट जरूर मेरे करण अर्जुन आएंगे, और ये करण अर्जुन आपकी जिंदगी में आएंगे, टॉरस वालों की जिंदगी में लाइफ लव ट्राइंगल आएगा। सूरज के मैं क्या कर सकता, लेकिन आप अगर मजबूत हो अपने इरादे के तो नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ वाला नारा नहीं चलेगा भाई साहब, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की शादी हो गई है, शहबाज शरीफ साहब इनकार करेंगे नहीं शादी से, वो तुम्हारी मर्जी जी, मैं तो सिर्फ मशवरा ही दे सकता हूँ। तो टॉरस वालों जिंदाबाद। बहुत सारे लोग
ये बातें इस वक्त मार्केट में फैला रहे हैं कि जेमिनी वालों आप लोगों के लिए थोड़ा हार्ड है, आप लोग मुकद्दर किसके अंदर नहीं हो आप ऐसा। पहली चीज तो ये कि सूरज ग्रहण ने अगर दो सितारे जिनको मैं इस वक्त सूरज ग्रहण के टॉपर्स पे मान रहा हूं कि यार ये है सुपरहिट, उनमें से कैप्रिकॉन जद्दी, उनमें से जोजा जेमिनी, ये दो सितारे नंबर वन पे जा रहे हैं जिन्होंने बहुत बेनिफिट लेने हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट इनकी हेल्थ का है। जितने लोग शदीद या छोटी या बड़ी किसी भी एक बीमारी में मुब्तला थे 67% रिटर्न होगा, वापस जाके आप उस जगह पे होगे जैसे आप हेल्थी हेल्थी थे। वो लोग यहां तक कि जिनकी आई साइट का भी प्रॉब्लम चल रहा था, दिस इज फर्स्ट सूरज की रथ जो 0.3% आपको रिटर्न देगा। ऐना कुतार के देख लेना, अगर ये 0.3% का फर्क ना हुआ इशारों की जुबान समझते हो ना, तो अड्डी जुत्ती मेरा सर। ओके, अगली बात। दूसरी चीज है उन लोगों के लिए जो जेमिनी वाले हैं, जिन लोगों ने पैसा लगाना है, बेदरेग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, 35% से ऊपर मत लगाना किसी भी चीज में, 35% से ऊपर मत लगाना। जायदाद जमीन खरीदने वाले जितने भी लोग हैं उनको बड़े फायदे हो जाएंगे, सेल एंड बाय दोनों सूरतों में। वो लोग जिन्होंने शादियां कर दी हैं अपनी मर्जी की, उन लोगों को मैं ये कहूंगा कि शादी की डेट इसी साल की रख लेना, अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है तो इसी साल की रख लेना, बहुत ज्यादा फायदा होगा क्योंकि नई जिंदगी आप लोगों को एक ऐसे मोड़ पे लेकर जाएगी जहां से फाइनेंस जनरेट करने वाले दो सितारे आप और आपके जीवन साथी के आपके हक में बहुत ज्यादा बेहतर है। ये समझ लो कि बहुत बड़ा मार्का मारने जाओगे आप, तो कोशिश करना कि 2019 में निकाह हो जाए, आप लोग साथ रहना शुरू हो जाओ। मैं लिविंग रिलेशनशिप के बहुत अगेंस्ट हूँ, उसकी बात नहीं करूं, बहुत सारे लोग बात पकड़ के अच्छा सौत रहे नौफन अद्धे तुसी चोचे है मैं कहांगा ते तुसी करोगे, खुद ही तुसी जेड़े कर रहे हो ना पाजी, 21 तोपों की सलामी तो आपको भी देनी चाहिए। अच्छा जिनको मैं आप कह रहा हूं ना, ये बड़े मुश्किल से कह रहा हूं आप कह रहे हैं, ये कुछ लोग हैं जो हमारा ये शो नहीं देख रहे हैं, जो देखते हैं ना हमारा शो वो उनकी तो बात ही नहीं करते। आप लोग थोड़े इमोशनल फील करोगे, आप लोग रोमांटिक फील करोगे अपने आप को इन 23 दिनों में, आपको लगेगा कि बस दुनिया आपके मतलब की नहीं है, आपको मतलब के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सभी रिश्तों को जब परखा नतीजा एक ही निकला, जरूरत ही सभी कुछ है मोहब्बत कुछ नहीं होती, आपको ये लगेगा लेकिन आप गलत सोचोगे, आपको इस्तेमाल करने वाले नहीं, आपसे प्यार करने वालों की तादाद बढ़ेगी, फैन फॉलोइंग, आपकी इज्जत, मीडिया, सियासत, पॉलिटिक्स, वकालत। आप अगर किसी ग्लैमर फील्ड से हो, मॉडल हो आप, मेकअप आर्टिस्ट हो आप, फैशन डिजाइनर हो आप, कुछ सेल करते हो, ऑनलाइन बिजनेस करते हो, तो आप उन खुश नसीब लोगों में होंगे जिन्होंने 100 रुपीज का सामान देके 200 कमाना, सो आप लोग बहुत ज्यादा कमाओगे। आप लोग होंगे एनिमीज एक्टिव जरूर होंगे लेकिन कर कुछ भी नहीं पाएंगे, इसलिए टूटे हुए सिलसिले दोबारा से जुड़ जाएंगे, आपके रिलेशनशिप जो आपसे दूर हैं उनसे मोहब्बत बढ़ जाएगी, माफी हो जाएगी, आप लोगों की प्रॉपर्टी के हिसाब से जो भी केसेस चल रहे थे उनमें फैसला आपके हक में होगा। लेकिन एक चीज का बहुत ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का, जिनके हयात हैं उनको अपने पेरेंट्स के करीब होना पड़ेगा वरना यहां से निकलेगा एक फासला। 3 तारीख को जिस वक्त ये 2 को स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 3 की हम बात करें, 30 को जिस वक्त ये अंजाम होगा, तो 4 तारीख का जो पहला दिन होगा सूरज किरण के बाद का, वहां से आपकी एक जर्नी शुरू हो जाएगी बड़ी कामयाबी की। अगर आपने उन पेरेंट्स को बीच में छोड़ दिया, जो वालदैन जो भी आया था जिसके, उनके साथ कम्युनिकेशन बड़ी जरूरी हो जाएगी वरना ये फासला बहुत दूर, क्योंकि आपके ट्रैवल हैं, आपके टूर्स हैं, आपका काम, आप इतनी मसरूफियत में हो जाओगे। जो लोग एक जॉब कर रहे हैं उनके पास 2-2 जॉब की अपॉर्चुनिटी होंगी जो अवेल करेंगे, तो आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा। अगर आप लोग जॉब स्विच करने का सोच रहे हो कि हमें जॉब स्विच करनी चाहिए, अगर आप लोगों को कोई ये मौका दे रहा है कि जी आप पहले ये जॉब छोड़ो फिर हम करेंगे, ये गलती मत करना जब तक कि दूसरे का लेटर आपके हाथ में ना हो, फिर आपने ये पहले वाली क्विट करनी है। क्योंकि आप लोगों को अगर फर्ज करो ये जॉब पहले छोड़ दोगे तो दूसरे में 97 डेज का अरसा दरकार है, नए कॉन्ट्रैक्ट आपके हिस्से में आ जाएंगे। हेल्थ क्योंकि बहुत आला है इसलिए आपकी एनर्जी टाइमिंग भी बहुत अच्छी रहेगी। जहां तक स्पिरिचुअल होने का ताल्लुक है तो उसमें आपको वापस आना पड़ेगा, आपको ये लगता है कि रमजान गया और हमारा हालात भी बिल्कुल बदल गए और आप वापस उसी रंग में रंगे जाते हैं। अब की गेम ऐसी नहीं है, अब आप बहुत पॉजिटिव वे में जाओगे, आपको अंदाजा ही नहीं है कि आपका हाथ सिर्फ देता रहेगा, जो भी आ रहा है उसकी मदद करने वाला होगा और आप कहोगे यार पहले ऐसा नहीं था, अब मेरा हाथ रुक क्यों नहीं रहा। जब इधर से हाथ नहीं रुकेगा तो ऊपर से भी हाथ नहीं रुकेगा, ये है उसके पीछे साइंस जो सूरज ग्रहण आप लोगों के ब्लड को, आप लोगों के ब्रेन को पूरा तथीरी प्रोसेस में पूछ पे लेके जाएगा। सो जेमिनी वेल डन, आप लोगों के लिए बहुत ही आला किस्म का काम शुरू होने वाला है।
इस वक्त पहुंची है सरतान June 22nd से लेके July 22nd ये है गे। अब क्या देखो June 22nd से July 22nd और सूरज ग्रहण निकल रहा है इस वक्त सेकंड और फिर थर्ड के बीच में आ रही है यानी कि ये जो कैंसेरियन है इनको ले रहा है पूरे का पूरा अपनी लपेट में। अब बहुत सारे लोगों ने जो पहले से कह दिया कि कैंसर वाले डूबे के डूबे, कैंसर वालों के रिश्ते खत्म हुए, उनकी जॉब चली जाएगी, उन लोगों की हेल्थ, उन लोगों के पेट तो फला, और मुझे जो लोग ईमेल कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि जी फला नहीं है, जो भी नाम लेते हैं वो, क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ, मुझे जब आती है तो मुझे सिर्फ हंसी आ रही होती है कि हम अंधों के शहर में आईने बेचने निकले हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैंसेरियन याद रखिए, आप लोगों की कस्में लोग खाएंगे कि अगर हमें किसी ने कोई औलाद देनी है तो ये तो कैंसर वाली दे या कैप्रिकॉन वाली दे, क्योंकि ये दो वो हैं जो वफादारी की इंतहा को चले जाते हैं, ये अपने नुकसान करके दूसरों को फायदा देने वाले लोग होते हैं। सो कैंसेरियन आप लोगों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल इंतजार कर रहा है, वीजा के लिए परेशान हो, इमिग्रेशन के लिए परेशान हो, 100% नींद आ जाएगी, सुकून की तुम्हें सो जाना, क्योंकि काम तुम्हारा हुआ हुआ। पहली चीज आप लोगों के लिए जो भी है फ्यूचर में, तीन प्लानिंग्स मेरे रब ने की हैं, उसमें आपका पैसा, आपकी औलाद और आपकी इमिग्रेशन तीनों एक ही जगह पर जुड़ी है। यानी आप अगर ये सोचते हो कि आप स्टूडेंट हो या आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एक मुल्क को चुनते हो कि हमने वहां इमिग्रेशन करनी है, जो गैर शादीशुदा लोग हैं, पहले मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो वहां जाएंगे, उनकी शादियां होंगी, उनकी औलादें होंगी, तो तीन खुशियां एक ही लाइन में। अब जो शादीशुदा है ऑलरेडी करते तो वो भी यही है, वैसे मिट्टी पाओ जी शादीशुदा से हमारा क्या ताल्लुक, मैं खुद इसको कहते हैं बातें दूसरों पे छोड़ के आप लोगों के जिंदगी को हिला जुला के चले जाना। आप समझिए समझदार तो माशाल्लाह बहुत हैं, लोगों के मां बाप सियाने होते हैं, आप खुद ही सियाने हो, तो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी। अच्छा जो मैरिड जितने भी लोग हैं उन लोगों की औलादों की खुशखबरी है, उनकी शादियां हो जाएंगी, उनके जो भी एजुकेशन के सिलसिले हैं, ये खुशखबरियां वो हैं जो इससे पहले जिंदगी में आपने बहुत कम देखी। बहुत सारे लोग हैं शादी है, हमारे बच्चे पास तो वैसे भी हो रहे हैं अभी अभी, ये वो वाला काम नहीं है अभी। बहुत बड़ा सिनेरियो जो अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए किया कैंसेरियन के लिए, मैंने कहा कि लोग रश करेंगे और ये आप लोगों की आने वाली जिंदगी में होगा। 5.5 ईयर 5.5 साल आप सेफ हो, लॉक कर दिया गया है ऊपर, क्योंकि आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ उरूज है जहां पर रुकावट नहीं। गलत डिसीजन रिलेशनशिप के हवाले से आपको बहुत स्ट्रेस कर देगा, आप लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसलिए गलत डिसीजन लेने का सोचना भी मत, मैच कर लेना। जहां भी आपको लग रहा है कि ये रिलेशन मेरे साथ अगर जुड़ जाएगा तो बहुत अच्छा, ये आपका ख्वाब है या ये उनका ख्वाब है, आप दोनों की फैमिलियों के क्या ख्वाब है, अगर फैमिली नहीं मान रही तो बीच में जो गैप आएगा उसको भरने के लिए आपको 5.5 साल का अर्सा चाहिए। कितना? 5.5 साल। जब आप दो बच्चों की माए या दो बच्चों के बाप बन जाओगे तब जाके 100% तस्लीम किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, खास तौर पे कैंसेरियन को मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये होना है आपके साथ। अभी जो लोग पहली दूसरी तीसरी जो भी शादी कर रहे हैं, मोहब्बत में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन लोगों की लव मैरिजेस हो जाएंगी, बहुत अच्छा है, लेकिन वो जाहिर है आप लोग एक लीगल बेस से जाओगे। बहुत सारे लोग जो बीमार थे काफी अरसे से, जो किडनीज या जिनको ब्रेन का प्रॉब्लम था कि ब्रेन हैमेज का खतरा है, लकवा है, फला है, जो भी, वो लोग बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे। जो लोग कोमा में है इवन सरतान वाले, वो लोग भी रिटर्न हो जाएगी, हेल्थ बहुत अच्छी है। सो आप लोगों के लिए जाहिर है अगर आप मीडिया या किसी भी ऐसे काम में हो जहां शोहरत इज्जत है तो कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, समझ लो कि 47 डेज में आप लोग एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करोगे, चाहे वो मुल्क के अंदर है, मुल्क से बाहर है। ट्रैवलिंग से आपको बड़ा फायदा होने लगा है, लेकिन आपको बदहजमी की शिकायत रहेगी। कितने दिन? 23 दिनों में से 3 दिन मुख्तलिफ डेज है और ये एवरी वीक एक डे के लिए है। अब क्या करना कि आपको कोई भी ऑयल, क्योंकि यहाँ पे देखो होता क्या है कि जिस वक्त मैं स्टार्स निकालता हूं तो इसमें विटामिन्स के सितारे जो होते हैं, फला सितारे ने ये अलर्ट किया कि इसमें विटामिन डी या ई की कमी है। अब अगर उस चीज की ज्यादती है तो वो भी अलर्ट मोड पे रहते हैं, जिसको पर्पल एंड येलो कहते हैं। पर्पल एंड येलो की कॉम्बिनेशन जो बना रहे होते हैं वो अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ अलर्ट पे दिया। अच्छा ये सिर्फ सितारों में ही नहीं होता, ये आपको भी पता है कि अगर आपने कुछ गलत खा लिया तो आपको लगता है यार कुछ फील हो रहा है, यार लगता है स्टमक सही नहीं है, यार दिल ऐसा हो रहा है, कलेजा मुंह को, ये फीलिंग्स आपको होती हैं, ये सब कुछ ऑलरेडी वही हिद्दतें हैं जो आप लोगों को बता रही होती। तो आप लोग उस वक्त ब्रेन से काम नहीं ले रहे होते कुछ गलत करके, तो आप लोगों को ये करना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी सी है, लेकिन कहना इसलिए जरूरी था कि आपके डेज को डिस्टर्ब कर देगा, इस वजह से बेहतर हो जाएगा। वो लोग जो अपना नाम चेंज करना चाहते हैं उनके लिए 23 दिन बहुत आला। नाम चेंज करने के लिए हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम आप जरूर देखिएगा लाइव कल का, उसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आपका नाम चेंज करने वाला है कि नहीं है।
तालियां, थैंक यू, प्लीज बैठ जाइए लेडीज, शर्मिंदा कर रहे हैं आप, तुसी केड़े खिले हो पापा, मेरी खुशफहमियां देखो कि मुझे लग रहा है लोग खड़े हैं तालियां से बजा रहे हैं, ऊपर से वो जो गोल्डन बजर दबाते हैं वो अमेरिकन गॉड टैलेंट है, ऊपर से वो गोल्डन गोल्डन गिर रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कौन है, कौन है ये खुशफहमियां, चलो मैं वो देख रहा होता हूँ जो आप लोगों के इश्क के पैमाने में अभी तक आया ही नहीं, एम्प्टी ग्लास लेकर आप बैठे हो, मैं वो भी देख रहा हूं कि वो आएगा कब। अब देखने का फायदा और है, रिलेशनशिप परखेंगे आपको, दो रिलेशन आपकी जिंदगी में बहुत अहम हो जाएंगे जिनके बिना आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। अब आपने उसको सर पे सवार करना है, दिल में रखना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये तो कैंसेरियन हो गए, असर लियो जुलाई 23 से अगस्त 22 तक जितने भी लोग लियो वाले हैं आप लोगों की जिंदगी में, जो इस वक्त इम्तहानों की कंडीशन है, पहले ये सुन लो, बहुत सारे लोगों ने आप लोगों के बारे में, मैं एक अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर का वो मुझे जो पेज भेजा गया कि ये जी देखें इन्होंने सूरज ग्रहण के होने वाले असर आप मुख्तलिफ ज़ोडियक साइन के लिए क्या कहा है, 100% बकवास पे मबनी थी वो सारी बकवास। अब सुनो, पहली चीज तो ये है कि 2 और 3 जुलाई को जो एक पॉपअप होता है, जो सूरज ग्रहण जिससे ग्रहण और एनर्जी लेता है वो 7 प्लैनेट के पीछे मिल्की वे में 57वें फ्लोर पे 3rd लेयर का सबसे छोटा सितारा जिसको चिगील बोलते हैं, क्या बोलते हैं चिगील, जितने भी इजिप्शियन एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन लोगों ने उनके क्वाइंस बना के यहां लगाए होते थे, वो इसलिए पहनते थे कि जो उस सितारे में आया वो वन ऑफ द बेस्ट मैन है, लेडी है, अरे भाई वो टैग बना के यहां लगाते थे। उस वक्त एक पैसा होता था मौरी वाला, गले में पहन लिया, टैग लगा दिया कि यार ये तो वो, झूठ नहीं होता था उस वक्त, बहुत पहले हजारों साल पहले में बात करें, 2 नंबर तब भी थे लेकिन झूठ इतना आम नहीं था जैसा अब पानी की तरह पी रहे होते हैं। ये है असद वालों की जिंदगी में वो टैग वाला। अब क्या होगा, आप लोगों को जो ये जिस फ्लोर की बात कर रहे हैं कि 70% जूस निकलेगा तो ये रह जाएगा, आप लोगों को 83% तक जूस मिलेगा, किसका, बाकी स्टार्स का। अब समझ रहे हो कितनी बड़ी गेम है आप लोगों के लिए, कितनी बड़ी गेम है कि आप लोग दूसरे 3 सितारे हैं जो जूस ले रहे हैं, वो आगे चल के बताता हूं, अभी तक जो बताए उनमें नहीं है। अब जो आगे का एक प्रोसेस होने वाला है मेरी जान, आप लोगों के लिए, ल्यू वालों के लिए, असद वालों के लिए, ये नाकाबिले फरामोश वाकयात बन जाएंगे। फाइनेंस अमेजिंग पोजीशन पे, आप लोगों की कैपेसिटी या औकात से बहुत ज्यादा। अब आपको पता है कि आप महीने के 1,00,000 रुपए कमाने वाले हैं, 10,000 कमाने वाले, उसको 10 टाइम आप ऊपर ले जाओगे हर बंदे के लिए। अब स्ट्रगल लाइफ एक अलग चीज है कि आपने जितना गुड़ डालना है उतना ही मीठा होगा, इतना गुड़ भी ना खाया करो, मीठे से परहेज किया करो, बहुत नमक भी मत खाया करो, दोनों ही चीजें सेहत के लिए अच्छी नहीं। आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी है, जायदाद है, इमिग्रेशन है, ये चुटकी बजाते ही आप लोगों के काम हो जाएंगे, बहुत जल्दी बनने वाले हैं आप लोगों के रिश्ते जो आपने अभी तक सोचे भी नहीं, गैर खानदानों से रिश्ते आएंगे लड़कियों लड़कों दोनों के लिए जो कभी नहीं टूटेंगे, वाफिर मकदार में औलादे नरीना अता होगी असद वालों को। अब जिन जिन असद वालों के हाँ बेटियां, जो कहते जी बेटे हो जाए, बेटियों जैसी नेमत ही कोई नहीं, लेकिन बेटा बेटी दोनों, तो वो जो इनाम मिल रहा है अल्लाह ताला की सूरत में वो उस क्रोमोसोम एक्स को चेंज करेगा और मर्दों के लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मर्द है। पहली चीज याद रखना, ये इस पार्ट नहीं है, इसका हिस्सा नहीं है, ये जो कह रहे होते हैं ना कि तुम बेटे को नहीं पैदा कर सकती हो, साइंस जिन्होंने पढ़ी है ये साइंस से पूछना कि जो मर्द के क्रोमोसोम है वो है असल बेटा और बेटी पैदा करने वाला। औरत को जो दोगे वो परवरदिगार ने उसकी ओवरी में ऐसा सिलसिला रखा कि वो कंसीव करेगी, आपने बेटा दिया वो बेटा कंसीव करेगा, ऐसा नहीं वो उसने अंदर फैक्ट्री लगाई हुई है कि इधर से 7-Up निकलेगी, इधर से पेप्सी नैप्टा, नहीं है, समझ आ रही है आपको। तो ये मर्द है उसका कसूरवार जो बेचारी औरत को टांगा जाता है, सासे बिताना था, नहीं बेटा तो पैदा नहीं कर सके, तो ये आपके बेटे ने नहीं पैदा किया, मैं तो हूं। और वही औरत जब किसी और की जोजा होती है, वाइफ होती है, तो वहां से बच्चों की लश्करें बेटों की भी निकल रही, बेटियों भी चाहो, क्यों प्रॉब्लम यहां है, यहां से क्लियर हो जाओ, ये कोई बड़ी चीज नहीं है असद वालों के लिए। एजुकेशन जितने लोग छोड़ चुके हैं वो दोबारा से सिलसिला शुरू करेंगे तो वो बहुत टॉप पे जाएंगे। आप लोग लोहे का कारोबार करते हो, लैंड का कारोबार करते हो, या फूड से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करते हो, स्टॉक मार्केट, इमिग्रेशन का कोई भी लॉयर है, वो ये सब टॉप लिस्ट पे होंगे इस वक्त।
इन लोगों के पास काम की वाफिर मकदार होगी, नए रिलेशनशिप होंगे, सुकून बहुत होगा। इस सारे प्रोसेस में ये 23 दिनों में आपको जो भी कोई तीर मारना है अपने हिसाब से, मैंने पहले कह दिया, पहले सोच लेना। सारी प्लानिंग आपकी 100% सही रास्ते पे जा रही है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम कहाँ है, अब सुनो, प्रॉब्लम है छोटा सा, आपको हर्ट करेंगे लोग, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप में है या कोई भी, हर्ट करेंगे, जिसके बदले में आप एंगर भी दिखा सकते हो, कतातालुकी भी कर सकते हो, वो नहीं करना है, क्योंकि ये सारे सितारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप लोग इग्नोर कर देना, माफ कर देना, किसी ने कुछ कह दिया, अना का मसला मत बनाना, पहली चीज ये करना। अब दूसरा काम क्या करना है, उनका ये जो उरूज है ये सबको पता है, बाकी दो सितारे भी बताऊंगा कि असद का और उनका भी, इसमें आमिलीन क्रॉस लगाएंगे। क्रॉस लगाते हैं नॉर्मली लोहे के ऊपर, ताला लेकर उसको लॉक लगा, पहले पढ़ाई होती है, ताले को लॉक किया, उसकी चाबियां लेके अलग किसी जगह पे फेंकी, उस ताले को जमीन में दफन कर देते हैं, जंग लग जाता है, पानी लगता रहता है, वो ताला मिल भी जाए, कभी कोई बड़ा आमिल हो कहे मैं ताले निकालूंगा, एक तो फ्रॉड है जो यहाँ से करके तावीज ताले फ्रम ये कर रहे होते हैं, जो शब्दाबाजी है, नाटा अमल नाटा, कोई अल्लाह वाले करामत ऐसा कोई भी करामतें नहीं करते हैं, तो वो जो निकाल रहे होते हैं उसकी चाबी नहीं मिलती है, वो चाबी भी मुअक्किलात ही दूर दूर फेंक के आते हैं। अब ये वाली जो पोजीशन है, ये आमिलीन जानते हैं कि हम लोहे के ऊपर मैजिक करेंगे। कोई भी बंदा आपको लोहे की कोई चीज गिफ्ट करे, इलेक्ट्रॉनिक की कोई चीज गिफ्ट करे, इंक्लूडेड फोन, इंक्लूडेड वॉच, किधर की मेरी वॉच, मेरी वॉच, वॉच माय स्टेप, अक्सर लिखा उधर वॉच योर स्टेप, घड़ी कहीं रह गई, कहां चली गई, शूट पे रह गई होगी, चलो ठीक है, किधर डाल दिया है, मेरा सारा दिमाग मेरी घड़ी पे चला गया, ओके ये बुरी घड़ी है मेरे लिए, ओके। तो आपको कोई भी बंदा लोहे का इवन बैंड भी देता है, छल्ला भी देता है, आयरन चांदी सोने की बात नहीं कर रहा, लोग धात में भी डाल देते हैं कि यार ये धात उसको रिंग दी है किसी ने सोने की, वो भी नहीं, सोने की रिंग लड़कियां छोड़ दें, छोड़ ही ना दें, ले लेना, लेकिन लोहे की ना लेना, ठीक है। तो बस यही एहतियात करना, और अगर ले लो तो काली चीज का सदका जरूरी हो जाए, काला बकरा, काली मुर्गी, काला कपड़ा, काले माश की दाल, अगर कोई काला महबूब है तो उसको काला नहीं कहते, ठीक है, अल्लाह ने ऐसे ही बनाया, तो मैं क्या करूं, मेरे घर में मैं हमेशा अपने बीवी बेटे को देखो कहते हैं बस 19-20 का फर्क है, तो मुझे कहते नहीं नहीं 19,000 और 20,000 का फर्क है, रंग बस ऐसा ही है तो क्या करें, बट आई एम अ टॉल, आई एम डार्क, आई एम हैंडसम, थैंक यू, प्लीज लेडीज जेंटलमैन, बार बार शर्मिंदा नहीं करो यार, ये गोल्डन बस बंद कर दिया करो प्लीज, तालियां, थैंक यू, थैंक यू। वर्गो सोमला August 23rd से लेके September 22nd तक आ जाओ मैदान में। अब देखो, बहुत सारी गलतियां कर चुके हो आप जिंदगी में, रिलेशनशिप को हाथ से जाने मत देना। अब क्या है कि ये सूरज गिरन आप लोगों की जिंदगी को एक ऐसा मोड़ दे रहा है जिसमें अब फाइनल डिसीजन लेना है यस एंड नो का, फिर अपने उस जो टूटे हुए दिल का रोना मत रोना इसके बाद। वैसे तो ये 23 दिन है बजाहिर, लेकिन आपके पास जो टाइम है वो 27 दिसंबर 2019 तक का है। ये जो टाइम है इसमें आपने बहुत सारे रंग देखने, दुनिया के लोगों के, रिलेशन के, लेकिन ये पहली बार है कि आप सही फैसला करने जा रहे हो रिलेशनशिप। शादियां जो कर रहे हैं उन लोगों के लिए अमेजिंग है, नॉन स्टॉप खुशियों की एक जर्नी है। शिमला वाले जितने भी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं ये वो टॉपर लिस्ट में आने वाले एक और है, जिनकी परसेंटेज यहां 94.4% है, बहुत है। सूरज किरण ने आपको जो डैमेज करना था, जितने भी लोग हैं जो वर्गो वाले हैं, सुमला वाले हैं, अब वही वाली जो अभी हम अमेरिकन चाचा की बात कर रहे हैं जो गोरा साहब हैं, जो उन्होंने कहा वर्गो के बारे में, उन्होंने ये कहा है कि वर्गो का जो स्ट्रेस लेवल है वो इतना हाई होगा कि वो सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को गलत खेल जाएंगे। ये पहली बात है जो उन्होंने बहुत ठीक की, उसकी वजह क्या, चाचा जी जो फरमा रहे हैं उसका ताल्लुक अगस्त की 12 तारीख को खत्म हो जाएगा, यानी जो स्ट्रेस लेवल आएगा जो 23 दिन हम कह रहे हैं उसको छोड़ दो, 12 अगस्त को खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये 4 साल पर रहेगा, 4 साल नहीं, लेकिन स्ट्रेस लेवल में क्यों जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने एक ही टाइम में 5 काम शुरू कर देने हैं, चाहे आप शादी कर रहे हो, चाहे आप एजुकेशन हासिल कर रहे हो, आप लोग सफर कर रहे हो, आप लोग जो भी कर रहे हो, 5 जगहों पे आपका ब्रेन बटेगा, स्ट्रेस लेवल हाई होगा, उसको कम करने के लिए आप लोगों को हफ्ते में एक दिन भले ही 2 मिनट के लिए हो, कहीं भी किसी ऐसी जगह पे बैठ के थोड़ा सा नमाज रोजा कर लो, कुछ इबादत कर लो, कुछ मराकबा कर लो, फैमिली के साथ कहीं जाके आउटिंग कर लो, किसी होटल में खाना खा लो, ये वीक में एक
12 अगस्त तक का टाइम है, इसमें अगर हफ्ते में एक दफा करोगे तो 4-5 दफा ही करोगे, ज्यादा खर्चा नहीं। वो गोलगप्पे ही खिला लो बीवी को अगर इतने ही अड्डे कंजूस तुसी, लेकिन खवातीन भी ये जरूर करें। आप लोगों को अपनी जो अक्सर आपने एक जुमला सुना होगा कि जी नाफ पै गई, नाफ वो जो कमर में ऐसा करके कुछ हो जाता है तो पलेठी का पुत्र लैके लत मरवाओ, वो लात वात तो खैर ड्रामा ही, लेकिन नाफ पै गई तो कोई ऐसी हैवी चीज आप लोगों ने नहीं उठानी जिससे कोई नाफ वाफ का खतरा हो जाए, बाकी एब्सोल्युटली हेल्थ आपकी ठीक है। शादी जिन लोगों के साथ होना है वो गैर खानदान है, लेकिन मोहब्बत की इंतहा हो जाएगी। आप लोगों की रिलेशनशिप में जो बूस्ट मिलेगा ये इससे पहले 21 बरस पहले तक नहीं था। 21 ईयर्स बैक जाओ तो वो एनर्जी जो आपने इससे पहले नहीं देखी वो फील करोगे। इज्जत शोहरत मर्तबा और दौलत ये आपकी बहुत एक्सट्रीम, हर जबान पे आपका जिक्र शुरू हो जाएगा, लेकिन डर जाना, आजिज होना शुरू हो जाना। 27% जो वर्गोज हैं सूरज गिरन उनके दिमाग में और कमर में और गर्दन में सरिया भर देगा, तो वो ऐसे हो जाएंगे बिकॉज दी बेस्ट पोजिशन पे जा रहे हैं। खुदा के वास्ते उसमें झुकाव लेकर आ जाना, जितनी झुकी हुई डाले हैं वही मीठा फल देती हैं। फल से याद आया मैं फल भी लाया था कहीं, फल भी भूल गया मैं कहीं, मेरी खड़ी, मेरा फल, सब्र का फल मैं करेले लाया था पकाने के लिए। मुझे किसी ने कहा था कि सब्र का फल करेला होता है, सो आई लव करेला, आई लव गोश्त, पकाए मैंने करेले। है आप लोग करेले जैसे मिजाज वाले लोगों के साथ इस वक्त गुफ्तो शुनीत करोगे, इन 23 दिनों में उन कड़वे लोगों के मुंह लगोगे जहां से आपकी जर्नी शुरू होनी है। थोड़ा कंट्रोल, आने वाले दिनों में अपनी जायदाद जमीन मकान के मालिक हो जाओगे, किसी भी कानूनी उलझन में हो बड़ी आसानी से निकल जाओगे। वीजा इमिग्रेशन के ताल्लुकात में अगर फंसे हो तो समझ लो ये काम आपका हो गया, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो दुनिया में आलमी खामोशी का दिन कभी भी नहीं बन सकता, हर चीज का आलमी दिन, बच्चों का आलमी दिन, ईंटों का आलमी दिन, पोल्यूशन का आलमी दिन है ना, सिगरेट का आलमी दिन, चॉकलेट डे भी बना दिया नदी पहन दिया चॉकलेट डे और नहीं अच्छा हर चीज का एक डे बना। खामोशी का आलमी दिन नहीं है कि आज के दिन खामोश रहना, अच्छा मत तो रह लेंगे, क्योंकि मर्द या तो फिर माओ से बात कर रहे होते हैं चुप होके, या फिर मुंह में सिगरेट टूसे होते हैं चुप होके, सोच रहे होते हैं, सारे मर्द भी नहीं खैर चुप होते, मेरी तरफ देख रहे हो बात ऐसा में भाई, मुझे बोलना जरूरी है क्योंकि मैं यहाँ हूँ, फिर मैं ना बोलूँ तो क्या करूँ बता। लेकिन खातीन का आलमी दिन आएगा तो जो दुबली है ना लड़कियां, उनके पेट भी इतने जा रहे होंगे एक दिन के लिए, क्योंकि इतनी बातें होंगी तो बंदे तक टिड्डी सूझ गया, कितनी बातें पेट में होती हैं। सो गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है खवातीन का आलमी दिन जरूर मनाया जाए जिसमें मर्दों को भी सुकून मिले। हो सकता है सर? नहीं नहीं हो सकता तो फिर लिब्रा का बता देते, हम तो वैसे ही खाब देखे जा रहे हैं। गंजे को नाखून मिल जाए तो वो छील देता है अपनी टेंड। गंजे से याद आया सियासतदानों का क्या हाल है आजकल, नाखून नाखून मार रहे हैं सरों पे, डील्स की जा रही हैं, सुनना चाहोगे क्या करेंगे? मैं नहीं बताना चाहूंगा। सितंबर 23 से लेके अक्टूबर 22 तक लिब्रा मीजान वाले, देखो यार देख रहे बार बार ये कर रहा हूं, ये मैं कोई मेकअप नहीं ठीक कर रहा, ये मैं अपना पसीना बार बार साफ कर रहा हूं। लिब्रा वालों की जिंदगी में जितनी भी कानूनी उलझने अब तक उसको डिस्टर्ब कर चुकी हैं, ये उसका आखिरी मोड़ है, आखिरी लम्हा है, जिसने पूरी जिंदगी को हेल किया हुआ था, अब हेवन की वो सफर शुरू हो जाएगा। लिब्रा वाले उन खुश नसीब लोगों में हैं कि जो काम 5 पैसे का करेंगे लेकिन रिटर्न उनको 1 रुपया होगा। जितने भी बिजनेसेस में हो इस वक्त लिब्रा वालों, आप लोग खुश नसीब हो, कानूनी उलझन होने जा रही है, आप लोग अपनी जायदाद जमीन के मालिक बनने वाले हो। ये 23 दिन उसकी फैसले की घड़ी है, आगे ये जाएगा 4 years and 2 months के लिए, 4 साल 2 महीने। अब ये 2019 जिस वक्त शुरू हो रहा है तो ये याद रखना कि 2020 शुरू हो चुका है टाइम आपका, शुरू यानी कि अभी ये जो सूरज ग्रहण स्टार्ट होगा, जो लोग 2 का बोल रहे हैं, हम 3 को उसको 3 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो डाउन होता है वहां से स्टार्टिंग टाइम है, सूरज निकले गई ना तब ना, मतलब जो 2 तारीख को रात को 9:55 पर निकला, रात को साडा मामा सूरज कटेगा, लेकिन सूरज ग्रहण की टाइमिंग गैलेक्सी पे शुरू हो जाती है, लेकिन वो जो उसकी आखिर जब शम्मा बुझने लगती है तो उसकी लो ज्यादा होती है ना, बस ऐसा ही है लिब्रा वालों आप लोगों के साथ, ये वो वाली पोजीशन ऑफ स्टार्स है। रिलेशनशिप आ जाएंगे, शादियां हो जाएंगी 2020 तक आपकी, इसलिए ये जो क्विक डिसीजन हो रहा होगा इसमें ज्यादा लमियां लगा के नहीं बैठना,
कि इसकी मूंछ इधर से थोड़ी लंबी है, इधर से कान, इसके कान में बहुत बाल है. हर चीज की बाल जरूरी नहीं है कि खाल उतारो. मेरा मुहावरा ये था, प्लीज बहुत गंदा सोचते हो, किस तोपों की सलामी देनी चाहिए. अड्डा भी मैं मतलब सॉरी यार, बहुत दिल दुखा आपने. वो लोग जो मीजान वाले कारोबारी हैं, उन लोगों के पार्टनर्स के साथ जो भी बिजनेस डील हो रही है उसमें फायदे के साथ साथ आप किसी और पार्टनर के लिए भी काम करोगे, यानी कि सेकंड स्ट्रीम ऑफ बिजनेस शुरू हो रही है. जितने भी लोग स्टॉक मार्केट वाले हैं, जितने लोग गाड़ियों का काम करते हैं, जितने लोग ट्रांसपोर्टर के अलावा, यानी ट्रांसपोर्टर है वो इलेक्ट्रॉनिक, जितने भी लोग लोहे से रिलेटेड चीजें कर रहे हैं, चाहे वॉशिंग मशीन है, पंखे बेच रहे हैं जहां भी लोहा इन्वॉल्व है, जितने भी लोग कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, ग्रोसरी शॉप, जनरल स्टोर, इन लोगों को फायदा होने वाला है 237%. बिकॉज इस वक्त जो मीजान वाले यानी लिब्रा वालों के लिए उरूज का टाइम शुरू होना था, ये 11 इयर्स में ये वाला सूरज ग्रहण आप लोगों के लिए पहली दफा, यानी 11 साल में अगर पहली दफा है तो 11 साल पहले बहुत सारी फिक्र नफाका, गम कर काका, ये उस टाइप की चीज थी जो आपके जहनों को बड़ा सुकून देगा. सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे मीजान वाले स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी वाले. वो अपनी उस जगह पे पहुंचेंगे जहां इससे पहले बड़े कम लोग गए. सो आप लोग मोहब्बत जो मेन चीज है लिब्रा वालों की जिंदगी में, जो इंतजार में होते हैं कि शायद हम गलत हैं या वो गलत है, इस कहानी से निकल आना. आप लोगों की जिंदगी में जो भी कोई, पहली चीज तो ये है कि मोहब्बत जो लिब्रा वाले हैं, ये मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो जवाल में पैदा हुए, जो उरूज में हुए, इन दोनों की तारीखों में 6 डिजिट ऐसे हैं जिनको हम डिस्कस नहीं करें, जो सितंबर 23 से शुरू होते हैं और अक्टूबर 22 तक सिर्फ 6 तारीखें ऐसी हैं जिनमें पैदा होने वाले लोगों को रिटर्न ऑफ लव नहीं मिलता है. मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत नहीं मिलती है, और वो सेकंड जगह पे जाते हैं और वो कामयाबी होती है. सेकंड जगह मतलब दूसरी, तीसरी, चौथी, जो भी एक मोहब्बत, वो फर्स्ट वाल नहीं. अब रिटर्न जो हुआ है ये पहली दफा, ये जो 11 साल की गेम अल्लाह ताला ने चेंज की है, ये फर्स्ट टाइम है कि जो ऑलरेडी इन्वॉल्व है रिलेशनशिप में, जिनकी पहली मोहब्बतें चल रही हैं, पहली मोहब्बतें कोई ना जाए पहले दे तसी सादे 6 कार्ड जेब में रख के बोंगा 1, बोंगा 2, बोंगा 3, बोंगा 4, बोंगा 5, बोंगा 6 खुद लड़कियों के फोन में मैं देख चुका हूं. कौन है ये बोंगा? ये वो बोंगा है, बोंगा 1 पहला बॉयफ्रेंड, बोंगा 2 ठीक है. जो लड़के हैं, मेरे वाली 1, मेरे वाली 2, मेरे वाली 3, ये मेरे वाली के नाम से इस तरह के बहुत सारे नंबर. तो पहली मोहब्बत, पहला नशा मान लेते हैं, चलो सफाई देने की जरूरत नहीं है. प्लीज प्लीज, मैं जानता हूं आप लोग बहुत अच्छे हो मीजान वालों, अच्छे हो ही न जाना मीजान वालों, आप लोग बहुत अच्छे हो. जो लोग आपको नहीं समझ पाते हैं वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं. आप लोगों के रिलेशन में इस वक्त जो भी पेरेंट्स आपके हयात हैं, उन लोगों से कोई फैज मिलेगा. जायदाद जमीन के जो उलझे हुए मामलात हैं, जो कानूनी उलझने हैं, वो आपके हक में हो जाएंगी. वीजा इमिग्रेशन में बहुत क्विकली आपको 23 दिन में डिसीजन लेना है. छोटे बड़े सफर निकलेंगे आपके. इस वक्त 17 महीनों में आप बड़े से बड़ी ट्रैवलिंग के लिए तैयार रहो, बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार रहो. लिब्रा वालों को हेल्थ का बिल्कुल कोई मसला नहीं है. आप लोगों को जो एक हॉट फ्लैशेस का प्रॉब्लम रहता है, विटामिन डी की मिसिंग जो स्टार्स में दिखाई दे रही है, इस पे थोड़ा सा वर्क कर लेना. जो भी दूध, दही, निशास्ता ये चीजें नहीं खाते हैं उन लोगों को ध्यान से भी वाइट एक्ट प्रोटीन जो चाहिए उसकी भी जरूरत है, क्योंकि आगे आप लोगों को बहुत कुछ करना है. वो बहुत कुछ करने में औलाद को जन्म से लेके बाकी सारे एक्टिविटीज तक चीजें शामिल हो जाएंगी. अकरब आलू बहुत संजीदा रह लिया आपने. जिंदगी में जितने भी बड़े बड़े डिसीजन लेने थे, समझ लो कि उसके वक्त के लिए आखिरी 23 दिन आपके पास है. इन 23 दिनों के बाद आप 7.5 साल के लिए एक न्यू कमाल किस्म की जिंदगी देखने वाले हो. इन 7.5 सालों में आप लोग प्रॉपर्टी 2 खरीदोगे, आप लोग शादियां 1 करोगे, आप लोगों की औलादें 2 होंगी. 7 ईयर्स की पूरी जर्नी बता रहा हूं आप लोगों को. आप लोग 2 बड़ी ट्रैवलिंग, यानी कि अगर इंटरनेशनल आप दोहरी जिसको शरीयत कहते हैं उसके हकदार हो जाओगे. आप लोग जितने भी इस वक्त प्रोसेस है, चाहे आप ट्रैवल में हो चाहे आप सफर में नहीं हो, आप लोग अगर कोई प्लान कर रहे हो किसी के साथ बिजनेस, वो दुनिया का कोई भी बिजनेस है, जमीन से लेके प्रिंटिंग प्रेस तक, इंक से लेके कोयले तक का कोई भी कारोबार कर रहे हो, आप लोगों का सक्सेस है 96%.
हर बंदे की अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अब ये मत सोच लेना कि 96 का मतलब बिल गेट बना देगा। अब एक बंदा अगर 600 रुपया कमा रहा है और वो 6000 रुपया कमाना शुरू कर दे, दिस इज 96%। तो आप लोग अपनी चादर से ज्यादा कमाना शुरू कर दोगे। अब आप लोगों के लिए बहुत सारे फैसले करना मुश्किल हो जाएंगे, लाइक न्यू रिलेशनशिप बनाने के लिए। जो रिलेशनशिप बनेंगे वो आपको इस्तेमाल करेंगे। अब आपको बहुत एहतियात करनी है, नए रिलेशनशिप चाहे वो कारोबार के लिए हैं चाहे वो मोहब्बत के लिए हैं, वो जानलेवा होंगे। जान ही ना ले ले आपके, हाँ याद रखना, बाद में फिर कहेंगे राजा हैदर ने बताया था हमने नहीं सुना था। अक्सर मियाँ और बीवियाँ दोनों यही जुमले बोल रहे थे, उस वक्त अगर मुझे अक्ल आ जाती तो कभी आपसे शादी ना करती, ये हर बीवी का जुमला, और मियाँ भी यही अंदर ही अंदर कह रहा होता है। तो आप तो ऐसी बात ना करें, मैं तो आपके बगैर मर जाऊंगा, और अंदर से कह रहा होता मैं तेरे साथ भी मर जाऊंगा, लेकिन वो स्टार प्लस की सांसों वाली आवाज बाहर नहीं आ रही होती। आई एम सॉरी, तैयार रहो। आप लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल मोड है, एक रूहानी सफर की सूरज ग्रहण के बाद जो एक फील करोगे आप अपने ट्रैक से हट जाओगे। लोग कहेंगे कि इनको क्या हुआ अचानक, ये इतने बदल कैसे गए। आप लोग मिसाली हो जाओगे, मिसाल दिया करेंगे लोग कि स्पिरिचुअल होना है तो यहां से कुछ सीख लो। जैसे अक्सर माएं मिसाल देती हैं, कजन जो होते हैं घर में लड़के या लड़कियां, वो माएं अक्सर मिसालें देती हैं उनकी हैं जब छोटे होते हैं। अरे वो अपनी कजन को देख लो, ये तो वहां पे ये कितनी शरीफ है। अच्छा, और हमारी वो कजन हमारी दोस्त भी होती है और हमें पता होता है कि ये किसकी बात कर रहे हैं, बिल्कुल अम्मी का अंदाजा कितना गलत है। और वो जो बहुत शरीफ बन के कजन आए थे, सलाम आंटी सलाम अंकल, आप कहाँ हैं, वो ऐसा मस्किन, उसको अकेले में देख लो, फिर वो सूटे मार के गोले बना रहे होते छल्ले ऐसे ऐसे करके। ये वो लोग होते हैं। अकरब वालों, आप भी कुछ नहीं कर सकते हो, आजमाइश आपके लिए अब नहीं है लेकिन सिलेक्शन बहुत जरूरी है। आप लोग अगर किसी और मुल्क में सफर करना चाहते हो या वीजा या इमिग्रेशन लेना चाहते हो तो आपके पास 5 हफ्ते हैं। इन 5 हफ्तों में फैसला जरूर कर लेना। ये नहीं कि 5 हफ्तों के बाद मौका नहीं मिलेगा, लेकिन ये 100% का गुर बता रहा हूं। आप लोग अगर किसी पार्टी दावत कहीं भी जाते हो, वापसी पे आपको आधे सर का दर्द महसूस होता है, तो जितने भी लोग कह रहे हैं कि जादू होना है अकरब वालों पे, आप सेकंड स्टार हो जिस पे जादू नहीं होगा। कितने अरसे के लिए? 13 महीनों के लिए, 13 मंथ के लिए। मिल्की वे 54th फ्लोर 7 नंबर के जो सितारे हैं जिसको रिजाला बोलते हैं, रिजाला सितारा पर्पल रंग का होता है, जिस वक्त वो सूरज की बैक साइड पे 19th फ्लोर के करीब, उसके शवाहिद मिलते हैं कि यहां इस एंगल से भी नजर आता है। नासा की जो सैटेलाइट्स होती हैं वो मुख्तलिफ पोजीशंस पे घूम रही होती हैं, तो हर एंगल से 360 एंगल से सारी की सारी लेती हैं। वहां से पता चलता है कि किस किस की मेन स्ट्रीम किस किस जगह पे आ रही है। उनका कोई ताल्लुक नहीं एस्ट्रोलॉजी से नासा का, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो ज्योतिष है सितारा शनास है वो वहां से पकड़ लेते हैं कि यार ये जो है पोजीशन जुपिटर की सुरैया के अगेंस्ट है, तो ये जो 7th फ्लोर के सितारे हैं ये तो डैमेज होंगे। सट्टेबाजों को पता है ना यार, ये घोड़ा अगर पहले भी जीता था तो ये जीतेगा और वो जीत जाता है, उनको पहले पता है। यार ये बादल आए हुए हैं, काले हैं लेकिन हवा चल रही है, बादल तो लेकर निकल जाएंगे, नहीं होती बारिश। तो ये बहुत सारी ऐसी पेशन गोई करने वाले भी लोग होते हैं। तो आप लोगों के लिए ऐसी कोई पेशन गोई खत्म वतम नहीं होना है कुछ भी, लेकिन आप लोगों की जिंदगी बहुत अच्छी गुजरने वाली है स्कॉर्पियो। कुछ और चीजों पर भी डिस्कस करेंगे, आज बहुत हल्का हल्का हम बात कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों के बाद जिनकी बारी है वो सजिटेरियस एंड कॉस वाले। कॉस सजिटेरियस नवंबर 22 से लेकर दिसंबर 22 तक जितने भी लोग हैं उन लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं हम, इस वजह से कि ये वफादारी की इंतहा है। सजिटेरियस वाले किसी का साथ नहीं छोड़ते लेकिन लोग इनको बीच में से छोड़ के चले जाते हैं। आपका जो सीरियस इशू है वो रिलेशनशिप है, सूरज ग्रहण आपकी जिंदगी को बिल्कुल बदल के रख देगा। मोहब्बत अपनी उरूज को जाएगी, रिलेशनशिप में बदल जाएगी, जो ना खत्म होने वाले एक सफर पे निकल जाएगी। आप लोगों को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जॉब और बिजनेस की। स्विच करना चाहो तो सोच लेना कि पे स्केल की वजह से कर रहे हो या शॉर्ट टर्म खेलना चाह रहे हो, क्योंकि आपको एक साल में 3 बड़ी जॉब्स ऑफर होंगी, 3 बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। यानी कि ये 3 तारीख से जो सफर शुरू होगा, नया चांद भी आगे फिर निकलना है, तो ये पूरी जिंदगी आपकी साथ रहेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स या जिनका यादाश्त का मसला रहा है सजिटेरियस वाले, वो लोग बेहतरीन जो कारकर्दगी करने वाले होते हैं उनमें शुमार हो जाएगा। आपकी बड़ी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में या स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। आपके वालदैन भी आपके साथ जुड़े हुए लोगों पर लोग फख्र महसूस करेंगे कि ये कॉस वालों के वालदैन हैं। हेल्थ का
कोई वरी करने की जरूरत नहीं है. बहुत सारे लोगों ने कहा ना मैदा और बड़ी आंत का प्रॉब्लम होगा कॉस वालों को सूरज ग्रहण के बाद, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. आप लोगों को अपने दांतों का ख्याल रखना है और कान का ख्याल रखना है, ये जो कान की सफाई का तथीर का ख्याल रखना, बस बस इन दो चीजों के अलावा बाकी तो लोग रखते ही हैं. कोई बोंगा नहीं होता कि लोग कहते हैं जी अपना ख्याल रखिएगा. ये जुमला हम अपनी तस्कीन के लिए कहते हैं, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं उनको कहते हैं प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और ख्याल रखिएगा. सबको पता है रस्मी से फिक्रे हैं, लेकिन जो प्यार करते हैं वो रस्म नहीं निभा रहे होते हैं, वो अपने आप को सेव कर रहे होते हैं कि ये ख्याल रखेगी तो मेरा अच्छा दिन गुजरेगा, ये ख्याल रखेगा तो मुझे सुकून होगा. जैसे माएँ औलाद को खाता देख के खुश हो रही होती है, हमारे घर में ही होता है. मेरी वाइफ नहीं खाती है खुद बिल्कुल भी खाना, आधी रोटी शायद 24 घंटे में खाए, चाय पी ली एक कप बस. और बेटे साहब भी ऐसे ही हैं, वो भी बहुत डाइट का, क्योंकि ये करना है और फिगर है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कैलोरीज गिन गिन के, मतलब एक घूंट भी फालतू का नहीं पीना. मेरे जैसा बंदा मुए तो घर में डस्टबिन हो ना, कि आएंगे खाना ये बच गया फेंक दे खाएंगे आप, अच्छा नहीं फेंको नहीं यार दे दो खा लिया, थोड़ी सी देर के बाद फिर आया आप, ओह ये क्या ये तो इतने दिन का पड़ा हुआ है, चलो अब क्या करें आप खाएंगे, हाँ दे दो मैं वो डस्टबिन जो सब खा लेता हूँ जी वो नहीं खाते. और कभी जब बेटा खा रहा होता है जब भी, तो माँ बैठी होती है तो वो खुशी से परोस रही होती और वो यही कहती है कि जब तुम खाते हो ना तो बस मेरा, और उस वक्त उसका मूड भी अच्छा होता है. तो फिर मैं बेटे को कहता हूँ भाई मेरा जब कोई मसला बना होता है मेरी भी इज्जत तेरी याद में, तू खा लिया कर भाई, क्योंकि तू जब खाता है वो खुश होती है तो बात मनवाना आसान होता है. ओके मैं कराची जा रहा हूँ फिर जा रहा हूँ, अच्छा ये नहीं कहती फिर जा रही हूँ, कब जा रहे हैं, ये पहली दफा था कि मुझे ये कहा गया. कौन से जी ठेरिस पालो आप लोगों के लिए सफर जो भी मुश्किल थे आसान हो जाएंगे. इस वक्त जो तफरीही मकाम पे लोग प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, जो ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे, उन लोगों के लिए आसानियां सेल एंड बाय दोनों कर सकते हो. लेकिन ये याद रखना कि इस वक्त दो मुल्कों में अगर आप लोगों ने अपने आप को हिस्सेदार बनाया तो ये मुश्किल में पड़ सकते हो. किसी एक मुल्क में अपना सारा फाइनेंस लेकर चले जाओ ताकि आपकी जर्नी शुरू हो जाए. ये दो मुल्कों वाला जो टांगें आपने रखी हुई हैं दो कश्तियों पर, ये बड़ा मुश्किल है. वो लोग जिनकी शादियां रुकी हुई थी जादुओं की वजह से कॉस सजिटेरियस वालों के, उन लोगों के ये जादू का असर जायल हो जाएगा. ये सूरज ग्रहण वाहिद सजिटेरियस है जिनको आते ही बिल्कुल क्लीन कर देगा, 100% सेफ हो. लेकिन इसके बाद ना हो इसकी गारंटी नहीं होती, वो तो फिर कोई कर देगा. तो सेफ्टी के लिए जो भी आप कर सकते हो वो हो जाए, ये भी आपके लिए खुशखबरी है. खानदान से बाहर जो शादियां कर रहे हो उसके लिए भी आप लोगों को मुबारकबाद, क्योंकि बहुत स्ट्रांग रहेगा रिलेशन, बहुत दूर तक जाएगा. लेकिन मोहब्बत वाला जो सिलसिला है इसको बचा लेना, क्योंकि आपकी मोहब्बत में जो ट्रायंगल बन रहा है मिंदाब जो सितारा है उसको देख लेना, क्योंकि यहाँ पे झूठ कॉस वालों के साथ जो बोला जाएगा वो 27% है. अच्छा मैं बहुत सारी चीजों की परसेंटेज नहीं बता रहा होता हूँ बिकॉज ऑफ टाइम, टाइम ही तो नहीं होता है हमारे पास. तो आप लोगों को ये देख लेना है. तो रिलेशनशिप पर डायरेक्ट अटैक नहीं करते हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने रिश्ते खराब कर देते हैं. इस वक्त खराबी का तो तसव्वुर भी मत करना, इस वक्त सिर्फ उरूज को देखो और जो अल्लाह ताला ने आपके लिए आसानियां रखी हैं वो देखो. कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बहुत सारे ऐसे रिलेशन जो पास्ट में तो बहुत अच्छे रहे, जब आप आगे फ्यूचर की तरफ आए तो आप लोगों को वो बुरे लगने लगे, तकलीफ दी. वो जो पास्ट वाले थे उन्होंने आप लोगों के लिए जादू सिफली टोना कुछ भी कर दिया, जो स्टिल अभी 3 घंटे पहले फिर से अलर्ट मोड पे आया है कि वो दोबारा से कुछ कर रहे हैं. अब क्या होता है, जद्दी वालों को ये मालूम होना चाहिए कि जब भी सूरज ग्रहण होते हैं, सूरज ग्रहण के हर सूरज ग्रहण के 23 दिन नहीं होते, हर एक घंटे होते हैं कि इतने घंटे के लिए आया, लेकिन उसके असरात कितने दिन तक रहेंगे हम उस पर जिक्र कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं. तो ये वाला जो एक मैजिक वाला सिलसिला है, ये रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए या फिर कभी जुड़े किसी के साथ उसको वीक करने के लिए, जिसका कैसे पता चलता है, आपके दिल की बीट से, आपकी उदासी से, आप को ख्वाब के जरिए पता चल जाता है. तो जद्दी वालों की सिक्स सेंस या फिर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल जो पावर है वो दूसरों से ज्यादा स्ट्रांग होती है. ये 100% नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको सब पता है, लेकिन वो अलर्ट होता, घंटी की आवाज आती है तो कह रहे किसी ने बेल जरूर बजाई और बेल बजाई होती, लेकिन किसने बजाई ये नहीं जानते. वो किसने बजाई वाला सिलसिला अब आपके सामने आ जाएगा. पहली चीज तो यह है कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कल का जो सूरज निकलेगा कि आपको 7 मंथ के लिए ये अलर्ट मोड पे डाल रहा है कि 7 महीने के लिए नजरबंद, या आप लोगों से जो जेलिस लोग हैं वो कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे जिसका 2% हिस्सा आप लोगों को भुगतना होगा. वो 2% क्या होगा, लाइक जिसमें किसी भी एक हिस्से में हल्का सा पेन होगा या नींद सही नहीं आएगी. दूसरी चीज,
आप लोगों के लिए फाइनेंस बहुत बढ़ना शुरू हो जाएगा। फाइनेंस आपके तीन रास्तों से आएगा, थोड़ा थोड़ा है, जरूरी नहीं है कि तीनों रास्तों से एक ही जैसी उसकी कंटेंट क्वालिटी या सब कुछ आए, लेकिन आएगा तीन जगहों से। अब आप लोगों ने अपना शेड्यूल बनाना है, करना क्या है। नई अपॉर्चुनिटी लेने वाले जितने भी लोग हैं, नए पार्टनरशिप के साथ जाने वाले, उनसे गुजारिश है कि दिल को बड़ा रखें, क्योंकि आगे चल के आपको शायद इसका मुजाहरा करना पड़े। और अगर आप अपने पार्टनरशिप के साथ, फर्ज करो जिन्होंने चावल का बिजनेस शुरू किया है, जिन्होंने रेस्टोरेंट का बिजनेस किया है, कपड़े का किया है, कोई भी बिजनेस जो भी आप कर रहे हो, अगर उन्होंने शुरू किया और उनको लग रहा है कि यार मेहनत तो हम ज्यादा कर रहे हैं, फायदा हमारे पार्टनर को हो रहा है, तो 50-50 के पार्टनर हो, ये ध्यान में रखना। लेकिन रिलेशन किसी एक बात पर आके छोड़ना मत, क्योंकि इस पोजिशन पर आप अलहदगी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जॉब स्विचिंग करनी है तो बहुत अच्छा टाइम है, बिल्कुल कर सकते हो। बहुत सारे लोग आपकी मदद मांगेंगे। अब ये है असल कहानी जद्दी वालों की, कि आप उनके मददगार होगे, आप मसीहा से हो जाओगे कि जी हमारी हेल्प कर दो, जो ऑलरेडी ऐसी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं। आप एक आइकॉनिक इंडस्ट्री बन जाओगे कि ये है तो बस हमने, यानी आपका मुंह रजिस्ट्रेशन के लिए काफी होगा या नाम, तो ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। आपका जो करिश्मा है, आपकी जबान है, आपकी पर्सनालिटी है, इन दोनों को इस्तेमाल जरूर करना है। जो भी मीडिया, पॉलिटिक्स या टीचिंग या किसी भी फील्ड से हैं जहां पे लोगों से गुफ्तगू रहती है, वहां उन लोगों को कामयाबी हो रही है 97.3%, बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों के लिए हेल्थ के इश्यूज़ नहीं हैं। मैजिक वाला जैसे मैंने बताया है कि वो अलर्ट मोड पे है, लेकिन उसमें डरने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली अगर आप अपना हिसारबंदी करवा चुके हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो लोग जो मोहब्बत करते हैं, लास्ट है मोहब्बत का, क्योंकि मोहब्बत की परसेंटेज यहाँ पे अभी 58 को जंप करके जब ये 91 पे जाएगी तो आपकी वो शिद्दत इश्क बैठने नहीं देगी। आपको लगेगा कि घोड़ा जैसे रस्सियाँ तोड़ के भाग जाए अपने महबूब के पास, ये वो वाली सिचुएशन होगी। लेकिन आप अपने ही अगेंस्ट लड़ रहे होंगे। आप लोगों को बहुत बड़ी लड़ाई नहीं लड़नी है, क्योंकि अब जिसके पीछे आप जा रहे थे वो आपके पीछे आएगा, क्योंकि मैग्नेट पावर इस सूरज ग्रहण के बाद बढ़ जाएगी। तो आप लोगों के लिए बड़े बेस्ट रिजल्ट सामने आना शुरू हो जाएंगे। एक्यूरस वाले जनवरी 20 से लेके फरवरी 18 तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं, उन लोगों की जिंदगी में बड़े अहम फैसले होने, अहम फैसले क्या होने हैं कि वो खुद जितना भी कुछ कर रहे हैं अब तक वो तो करेंगे, बाकी लोग भी आके उनके लिए करना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों के महबूब रिलेशनशिप, मियां बीवी के बीच में जो टूट फूट चल रही थी, उसका 80% तक हिस्सा रीमैरी, रीजॉइनिंग कुछ भी हो जाएगा। आप लोग अगर जॉब कर रहे थे, खत्म हो गई, या आपको एक्सपेक्टेशंस थी कि यहाँ जॉब कर रहे हैं तो एक तूफान आया जिसने खराब कर दिया सारा निज़ाम, एक आंधी आएगी जो अब सब चीज़ों को बैलेंस कर देगी। थर्ड का ये जो है, सेकेंड एंड थर्ड, जिसको हम थर्ड बार बार बोलते हैं, इस वजह से कि आपको आसानी से समझ आ जाए, ये आपकी ज़िंदगी के लिए बड़ा ही पुरनूर कैफियत लेकर आएगी। आप लोगों को नज़रबद से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये करना कि किसी भी जानवर का गोश्त, यानी मुर्गी है, बकरा है, गाय, जो भी करते हो आप, उसका जो गोश्त है वो सदके में दे दिया करो, या फिर उसी तादाद के पैसे। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम गोश्त का सदका नहीं करेंगे, हमने फला नहीं करना, तो आपने उस कीमत का अंदाजा करना होता है। मुर्गी कितने की किलो है जी, 300 रुपए किलो, फर्ज करो मुझे नहीं पता कितने की, तो आपने वो 300 यानी कि $2 में $1.50 सदका आपने दे दिया, आपने फला 1 किलो दे, ये हस्बे तौफीक होता है। कुछ लोग तो कुर्बानी 10-10 गाय, भैंसे, बकरे, 50-50 ऊंट भी कर देते हैं। कुछ होते हैं वो बेचारा कमज़ोर सा एक बकरा दुम्बा लेकर आए होते हैं, कबूल उस कमज़ोर वाले की भी उतनी होती है जिसने 50 करवाई, नीयत देखी जाती। सो आपके लिए वो गोश्त का बड़ा ज़रूरी हो जाएगा। दल वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये ज़रूरत से ज़्यादा आगे जाएंगे, जितना आपने सोचा है शायद उससे 18 मंथ ज़्यादा एजुकेशन और हासिल करोगे आप। आपको आपकी मनपसंद जॉब भी मिलेगी और सेलेक्शन ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रिश्तों में सिलेक्शन बड़ी ज़्यादा हो जाएगी। ये 23 दिन बहुत अहम। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अगर परेशान हो तो बिल्कुल एब्सोल्युटली वीज़ा लगना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लोग किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे आपकी ज़िंदगी लोगों ने अजीरन की हुई थी, तो वहाँ से स्विच करके किसी बड़ी आला मकाम पे भी जा सकते हो। जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ भी आपका ओहदा बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। आप लोगों के लिए स्किन की डिजीज़ का जो प्रॉब्लम पिछले दिनों बहुत चल रहा था, इरिटेशन हो रही थी आंखों के अंदर या कहीं भी, जो भी स्किन का, वो सारे प्रॉब्लम सब ये सूरज की जो पहली किरण होगी ये आपको दूर डालेगी। बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है सूरज की तरफ ना देखो अंधे हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, अंधे नहीं हो जाओगे, लेकिन देखने की जरूरत क्यों होती है। आप कोई भी शेड्स लगा लो, काले ग्लासेस लगा के देखो तो फिर कुछ भी नहीं।
یعنی آنکھوں کے آگے کچھ بھی ہو تو پھر آپ سیف ہوتے ہو, لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں. وہ کوئی ایک خاص سورج ہوتا ہے جو آپ کی آئی سائٹ پہ ہلکا سا افیکٹ ڈالتا ہے اور آپ کو وائٹ وائٹ سب نظر آتا ہے, اور آپ ایسے ایسے تھوڑی دیر بات کرتے ہو. کچھ لوگ آنکھوں کو بیماری بھی ہوتی ہے نا, ایسے وسیع شاہ کو عادت ہے نا, ایسے ایسے بہت کرتے ہیں تو یہ عادت بھی ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو. یہ سورج گرہن کے بعد ریٹرن میں بچپن میں جب ہوا تبھی ہوتا, اور ایک سورج گرہن وہ ہوتا ہے جو آپ کی آئی سائٹ کو بڑھاتا ہے. جیسے ہر مچھلی کھانے کے بعد دودھ پیو تو وہ پھل بیری نہیں ہو جاتی, وہ ایک خاص مچھلی ہے, وہ پتہ ہی نہیں آج تک کسی کو, ورنہ مچھلیوں کے بارے میں بتا دیتے. اللہ مچھلی تھینک یو دلو, آپ لوگوں کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کرے. ہاک پائسز فور لاسٹ آر, جتنے بھی ہمارے پائسز والے فیب 19 سے لے کے مارچ 20 تک جو لوگ پیدا ہوئے ہوت وار, آپ لوگوں کی ذات پوری کی پوری چینج ہو جائے گی, آپ لوگوں کا لیونگ سٹائل بہت چینج ہو جائے گا. آپ لوگ جو بھی بات کرو گے اس میں وزن تو ہوگا ہی ہوگا, اور وہ سچ ہو جائے گی, بیکاز اسپرچل طاقت آپ کی کچھ ضرورت سے زیادہ بڑھا دے گا یہ سورج کے لیے. آپ لوگوں سے وفا کرنے والوں کی تعداد 0.1% ہے, جو ابھی 18.2% ہو جائے گی. اب 0.1 اور 18 کا سمجھ رہے ہو کتنی زیادہ عزت و مرتبے میں اضافہ ہوگا. جتنی بھی دنیا میں جابس کر رہے ہو آپ لوگ, سب کے سب سکسیس ریٹ دیکھو گے 97.1%. چار سال تین مہینے کے لیے یہ پورشن آپ کی زندگی میں آئے گا. 23 دنوں میں فیصلہ کر لینا کہ کس ملک کس نگر کا پانی پینا ہے. جہاں بھی اگر سوچ لو گے وہاں پہ بہت آسان نہیں ہوگا, 17 to 37 months کا عرصہ لگے گا, 17 to 37 months. لیکن کام 100% ہوتا ہے, مطلب جاؤ گے جلدی. میں وہاں کا سوچ رہا ہوں جو پلان کر کے بیٹھے ہو آپ لوگ. اگر اولاد میاں بیوی میں جدائی ہے, دور ہیں, چاہے دوسرے ملکوں میں ہے کام کاج کی وجہ سے, یہ کام آپ کا امیگریشن والا سلسلہ آسان ہو جائے گا, یا پھر آپ اپنا سارا سرمایہ لے کے اپنے بیک ہوم آ جاؤ گے. آپ کہیں بھی رہتے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہیلتھ کے ایشوز سارے پائسز والوں کے کور ہونا شروع ہو جائیں گے. گلے کے امراض کا خاص خیال رکھنا جو بھی گلے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, باقی اوور آل آپ نارمل جو ہوتا ہے وہ ٹھیک رہے گا. آپ لوگوں کو نظر بد لگنے کے جو چانسز یہاں پہ ہیں 71% ہے. 71 اس وجہ سے کیونکہ بہت زیادہ سکسیس ہوگا, اور سارے عاملوں کی توجہ اس وقت پائسز پہ ہوگی, کیونکہ پائسز وہ ستارہ ہے جس کو بڑی آسانی سے آپ ووڈو میجک سفلی براؤن بلو اینڈ بلیک کوئی بھی جادو آپ آسانی سے کر سکتے ہو. لوگوں کے پول کھلیں گے اور اس کے ریئیکشن, آپ نے پول نہیں کھولنے, یاد رکھو دشمنی مول مت لینا. آپ کو کسی کا راز پتہ بھی ہے تو راز رکھنا, ورنہ آپ بہت پچھتاؤ گے قانونی صورت میں, یا فیملی اسٹریس جو دیکھو گے وہ بہت ہوگا. اس لیے کنٹرول مائی سن, کنٹرول. آگے کیا کرنا, اب وہ جو جادو ٹونے والا سلسلہ ہے کہ وہ ہوگا تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ کرنا کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو صرف اور صرف چینی کا صدقہ دینا. چینی کی تعداد جو ہے وہ کم سے کم 500 grams ہے, آدھا کلو. جب بھی کبھی فیل کرو گے یار لیزی ہو رہا ہوں, یا آپ کی خاص طور پہ ہاتھ یا پاؤں جو ہیں ان پہ نیل نظر آئے, آپ کو لیگز پہ آتے ہیں, پاؤں پہ رات کو دبے نظر آئے پائسز والوں کو, تو سمجھ لو کوئی اثر شروع ہو گیا. تو اس کے لیے بہت سارے لوگ کرتے ہیں زیتون کا تیل دم کرتے ہیں اس کے اوپر, یا مکیتو یا سمدھو کا ورد کرتے ہیں اور وہ اپنے نیل کے اوپر لگاتے ہیں. یہ تو وہ ہے کہ جو آپ کو صرف نیل پہ لگاتے ہیں تو اس کا اثر وہیں ختم ہو جاتا ہے, نیل تو جائے تھا, وہ ایک اور چیز ہے. یہ والی جو پوزیشن آپ کو بتا رہے ہیں چینی والی, 100% اس کو سک کر لے گا 78 hours میں. بہت سارے لوگ 72 hours میں کہتے ہیں, لیکن 78 hours ہوتے ہیں جس میں وہ اثر کرتا ہے. وہ جب تک آپ تک آئے چینی کا صدقہ دے کے آپ نے اس کو میٹھا کر دیا, ریٹرن کر دیا. آپ لوگ کسی بھی چیز سے اگر ٹوٹے ہو, آپ کی محبتیں ختم ہوئی ہیں, تو آپ لوگوں کے ریلیشن شپ نئے بننا شروع ہو جائیں گے جس کے ساتھ آپ بہت دور تک فلائی کرو گے. آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے میرا مالک پروردگار, آپ سب لوگوں کو اپنے خزانے سے بے حساب دے, آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. جو بیمار ہیں پروردگار ان کو صحت شفا کاملہ واجلہ عطا کرے. جو بے اولاد ہیں ان کو جناب سیدہ کی پاک چادر کے واسطے میرا مالک ان کو اولاد نرینہ عطا کرے, ان کو بیٹیاں عطا کرے جو خوبصورت حور جیسی ہوں, ان کے اچھے نصیب ہوں. جو مائیں یا وہ لوگ جو اپنی شادی کے لیے پریشان ہیں پروردگار ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور ان لوگوں کے لیے ایک نئے ہم سفر لے کر آئے جو فرشتہ صفت ہوں, جو کاروبار کر رہے ہیں پروردگار ان کے خزانے بھر دے تاکہ وہ دوسروں کے بھی کام آتے رہیں. پروردگار ان سب کی محنتوں کا صلہ دے جو دن رات محنت کر رہے ہیں, جو مزدور ہیں, جو روٹیاں تلاش کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. پروردگار ان کو بہت کچھ عطا کرے, ان کو رزق حلال عطا کرے, ان کے دسترخواں ہمیشہ آنے جانے والوں کے لیے سجائے. اور پروردگار ان سب کے لیے جو طلاق ہو رہی ہے, رشتے ٹوٹ رہے ہیں, محبتیں چھوٹ رہی ہیں, اپنے پیاروں سے جدائیاں ہو رہی ہیں, ان سب کو اس تباہی کے دہانے سے واپس ان کے دروں تک لے آئے.
अगर वो हमारे हक में अच्छे नहीं है तो मेरा मालिक करम नवाजी करे, रिप्लेस कर दे, हमें सब्र अता करे, साबिरों शाकिरों में से उठाए, जो छोटी या बड़ी बीमारी में इस वक्त गिरफ्तार हैं, जो मुझे इस वक्त देख रहे, उन सबको सेहत शिफाए कामला वाजला अता कर दे। आप लोगों के माओ को, बाप को, बहन भाइयों को, बच्चों को, औलादों को सलामत रखे, जो हयात है उनको हमारे सरों पर हमेशा कायम दायम रखे, और जो जा चुके उन्हें जवार रहमत में जगह दे। मेरा मालिक अपने हबीब के खास उस इश्क के वास्ते उसको देते हैं कि जितने भी लोग मकरूज हैं, जितने भी लोग इस वक्त परेशान हैं, जितने भी दिलों में जो अरमान है, वो कल का जो सूरज ग्रहण निकलेगा उससे पहले ही सबके लिए कुन कह दे और सब कुछ ठीक हो जाए। परवरदिगार आप सबकी औलादें जो तालीम हासिल कर रहे हैं, आप कर रहे हो, तो आप लोगों के जहनों को वसत अता करे, कामयाबियाँ अता करे, मंजिलें कदम चूमें आपके। आप अगर मकरूज हो, कर्ज गैब से अदा हों, आप लोग अगर ज़ईफ़ हो, तो आपको एक लंबी उम्र सेहत के साथ अता हो जाए, किसी की मोहताजी ना हो बिस्तर पर पड़े हुए भी। अगर आप लोग अपने घरों में नहीं हो, किराए के मकानों में हो, तो मेरा मालिक अपने उस जो पूरी जहान कायनात का मालिक है, आपको अपने छोटा खुशियों भरा गहवारा दे जहाँ सुकून है कल्ब हो। वो जो वीज़ा इमिग्रेशन के लिए मुझे दुआओं के लिए कहते हैं, जितने भी लोग परेशान हाल हैं उनके लिए अपनी एम्बेसी से वीज़े इमिग्रेशन के ठप्पे लगा दे, ताकि आप लोग अपने सफ़र को पहुँच सको, अपनी औलादों को अपने साथ शिफ्ट कर सको। वो ख़ानदान बड़ी नेमत वाले होते हैं जो इकट्ठे बैठ के एक दस्तरखान पे खा रहे होते हैं। हम लोग परवरदिगार अपनी औलादों को भेज देते हैं, ये बच्चा बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा तो नाम करेगा, ये होगा वो होगा। वो अपनी बीवियों के लिए, वो अपने शोहरों के लिए कर रहे होते हैं, माँ बाप का नाम होता है। मेरे मौला हम सबको जोड़ के रख। परवरदिगार ऐसे इम्तहान की कैफियत ही ना आए कि वालदैन को अपनी औलादों से दूर होना पड़े। मेरे मौला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। तो ये वास्ता है असीरान करबला का, जो गुमशुदा हैं, जो लापता हैं, जो जेलों में हैं, उन सबको मिला दे, उनके अजीज़ व अकारिब से उनके गुनाहों को बख्श दे। जिस मुल्क में, जिस गली, जिस नगर में रहते हैं, उसकी हिफाजत फरमा, उस खित्ते को अमन का गहवारा बना दे। मेरे मौला हमारे दिलों को कदूरतों से, नफ़रतों से, दंगे से, फिकावारियत से, ये मुल्कों की तकसीम से धो डाल। मेरे मौला सिवाय गम हुसैन के कोई गम ना दे, और इस दुनिया में जो किसी से सच्चा प्यार इश्क मोहब्बत करता उन सबको मोहब्बत अता कर दे, क्योंकि वो खालिक है प्यार इश्क और मोहब्बत का। आमीन सुमा आमीन। थैंक यू वेरी मच लेडीज जेंटलमैन। आप लोगों का ये सूरज ग्रहण वाला जो सिलसिला था ये इतना ही था। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास जो लेकर गाहे बगाहे आता। तब तक के लिए पामान खुदा।